नमस्कार थे भी और एक बार फिर से दोस्तों हम जुड़ चुके हैं आपके साथ लाइव मैच लेकर और इसी के साथ दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारी जो लाइव स्टीम है मैं हूं दोस्तों आपका दोस्त राज और आपके साथ दोस्तों एक बार फिर से हम खेलेंगे आज से जिम्मा में पेमेंट लिख का ये सोलवा मुकाबला टी मुकाबला आज की तारीख है छब्बीस जुलाई और दोस्तों बता दें कि आज मामे में सूबे का मैच है दोस्तों कैप्टाउन की स्नेप आर्मी और दोस्तों बुलायो के यहाँ पर सिकंदर रजा दोस्तों बुलायो के कप्तान है यहाँ पर सिकंदर रजा अगर वहीं की दोस्तों हम बात करें कैप्टाउन के कप्तान की तो कैप्टाउन के दोस्तों कप्तान यहाँ पर जो कि भारतीय टीम के यहाँ पर खिलाड़ी भी रह चुके हैं पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं दोस्तों यहाँ पर दो तीन मैच के लिए पार्थिक पटेल अगर मैं बात करता हूं दोस्तों पार्थिक पटेल की तो पार्थिक पटेल ने दोस्तों कैप्टान की जहाँ पर इसने जो टीम है उसको क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों वहाँ पर बिल्कुल अपन नियंत्रण में इस पॉइंट टेबल में दोस्तों बरकरार रखा हुआ है और उसी के साथ अगर मैं आपस सिकंदर रजा की अगर बात करता हूँ बुलायु टीम की तो आप बुलायु टीम भी दोस्तों किसी से कम नहीं है मगर देखना होगा दोस्तों आज की टीम आज दोनों टीमों की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों दोनों टीमों की अगर मैं बात ये आपको बता दूं कि दोस्तों दोनों टीमों में दोनों टीमों दोस्तों लगातार जीत के साथ इस सिलसिले पर पहुंची है मगर देखा जाएगा दोस्तों आज कौन सी टीम का जो विजय रथ है वो रुक जाएगा क्योंकि बता दें कि यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम के दोस्तों वहाँ पर बुलाए हो और उसी के साथ देखेंगे कि यहाँ पर पार्थिव पटेल अपने कैप्टान स्नेर्मी के साथ जुड़ चुके हैं मगर थोड़ी ही देर में दोस्तों यहाँ पर टॉस होने वाला है टॉस के साथ आपको बता दें कि दोस्तों प्ले प्लेग में क्या होगी उसी के साथ दोस्तों बता दें कि इस पिच की यहाँ पर पिच रिपोर्ट क्या होगी और कौन से खिलाड़ी दोस्तों इस मैच में यहाँ पर भाग ले सकते हैं दोस्तों और पिछले मुकाबले का दोनों अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर जो कि यहाँ पर अगर बात कैप्टाउन की अगर मैं बात करता हूँ अगर बुलायो टीम की अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों दोनों टीमों में दोस्तों कुछ बदलाव करने होंगे जैसे अगर मैं बता दूँ दो दोस्तों यहाँ पर कप्टन जो की अगर कप्टाउन की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों कप्टाउन की जो यहाँ पर गेंदबाजी में दोस्तों यहाँ पर बदलाव करने होंगे उसी समय अगर बुलायो की बात करें तो बुलायो की भी दोस्तों यहाँ पर जो कि ऑलराउंडर में यहाँ पर जो कि बदलाव करने होंगे तभी दोस्तों इस मैच में थोड़ा सा लग सकता है कि दोस्तों जहाँ पर जो की टीम है यहाँ पर अच्छी तरीके से स्थिति में लग सकती है और इसी के साथ दोस्तों देखेंगे कि ये मैच किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है और इसी के साथ आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं इस मैच में और यहाँ पर रही दोस्तों बुलायो टीम की बुलायो टीम का दोस्तों बता दें यहाँ पर गेंदबाजों के बारे में अगर हम आपको बता दें दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं अगर यहाँ पर बल्लेबाजों की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर कप्तान की बात कर ली जाएगा सिकंदर राजा की सिकंदर राजा दोस्तों यहाँ पर जिम्बामे के दोस्तों होम खिलाड़ी हैं और इस ग्राउंड को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं और देखेंगे कि सिकंदर रजा दोस्तों इन्होंने पहले मैच में क्या बेहतरीन पारी खेली थी बत्तीस बॉल में दोस्तों अड़सठ रन की पारी खेली थी और अपनी कप्तानी के साथ दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं तो सिकंदर रजा एक अनुभवी खिलाड़ी है दोस्तों वहाँ बिल्कुल जानता है कि यहाँ पर जो कि दबाव में किस तरह से बल्लेबाजी करी जाते और दोस्तों किस तरह से इस पारी पारी को दोस्तों संभाला जाता है और इसी के साथ देखेंगे कि सिकंदर रजा इस मैच में किस तरह से करते हैं और आपके ड्रीम इलेवन दोस्तों अगर अगर टीम की बात करता हूँ तो सिकंदर रजा दोस्तों आप उसमें एक अच्छी पिक कर सकते हैं कर सकते हैं दोस्तों वो भी ऑलराउंडर की टीम है और इसी के साथ में अगर हम दूसरे नए यहाँ पर बेहतरीन खिलाड़ी कY, अगर तो पर पर की, की अगर, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बैन डोमर्ट दोस्तों बैन डोमर्ट यहाँ पर जो कि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करता हूँ बैन डोमेट दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाज है और इसी के साथ में आपको देखेंगे कि किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों बैन डोमर्ट और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इसी के साथ में कुछ ही देर में दोस्तों टॉस होने वाला है टॉस के साथ हम आपके साथ अपडेट आएंगे और तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ में अगर दोस्तों अपन ने अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों एक और स्टार खिलाड़ी की तो वो तस्किन अहमद है तस्किन अहमद दोस्तों बांग्लादेश के यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाज हैं दोस्तों उन्होंने इस मैच में वहाँ पर पांच मैचों में भाग ले चुके हैं तस्किन अहमद और आपको बात करते हैं दोस्तों तस्किन अहमद ने लगातार यहाँ पर बेहतरीन दोस्तों गेंदबाजी के साथ अपनी टीम को दोस्तों प्रभावित करा है और देखेंगे दोस्तों इस मैच में वो किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए देख सकते हैं और देखेंगे है कि दोस्तों तस्किन अहमद का इस मैच में चलना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसी के साथ दोस्तों देखेंगे कि एक बार फिर से नए खिलाड़ी हैं वो कौन दोस्तों आपके सामने आते हैं टॉस तो की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो टॉस दोस्तों थोड़ी ही देर में हमारा होने वाला है और इसी के साथ में दोस्तों टॉस के साथ अपडेट बनाए रखेगा और दोस्तों आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सी टीम दोस्तों इस मैच को यहाँ पर जीत सकती है कौन सी टीम दोस्तों इस मैच को हार सकती है और यहाँ पर क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो कि एक खिलाड़ी के रूप में यहाँ पर बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं इसी के साथ में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर रियान बोरी की तो दोस्तों रियान बोरी यहाँ पर बेहतरीन ऑलराउंडर है दोस्तों अभी तक यहाँ पर रियान बोरी का जिस तरह से अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर उतना जलवा देखने को नहीं मिला है रियान बोरी का मगर कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर रोयन बोरी दोस्तों जिस भी मैच में यहाँ पर अगर यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करता हूँ लय में आ गए तो दोस्तों यहाँ पर एक तरफा ही मैच को ख़त्म करने की जो काबिलियत है वो उनके पास आए और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं युवा खिलाड़ी है हैं दोस्तों अभी यहाँ पर थोड़े से जोशीले हैं तो दोस्तों अपना विकेट है वो बहुत ही जल्दी जल्दी दे, 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 दे देते हैं मगर देखना होगा दोस्तों कितनी जल्दी यहाँ पर जो की बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर भेजा जाता है ऐसा लगता है कि सिकंदर रजा इनके साथ यहाँ पर ओपन ओपन करने के लिए सोच सकते हैं बैन डोमट के साथ अगर बुलायो टीम की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों बुलायो टीम को एक अच्छी नींव रखनी होगी उसके बाद ही दोस्तों जो नींद नीचे क्रम के यहाँ पर बल्लेबाज है सिकंदर रजा हैं दोस्तों रियान बुरी हैं और बेन वेस्टर हैं दोस्तों और दोस्तों अगर मैं मा, महुरा मा, की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों वो भी यहाँ पर अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं तो आपको एक जो जो कि तीन पावर प्ले की अगर मैं बात करता हूँ तो पावर प्ले में दोस्तों तीन ओवर होते हैं तो तीन ओवर में आपको बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी करनी होगी तभी दोस्तों एक मैच बन सकता है वरना दोस्तों धीरे धीरे ये मैच यहाँ पर दी जाएगी और उसी के साथ में देखेंगे कि किस तरह से मैच को आगे बढ़ाया जा सकता है और आपको बता दें कि कमेंट में दोस्तों कमेंट में यहाँ पर आकाश खान ने लिखा है दोस्तों आकाश खान ये क्या लिखा है भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सुबोध यादव जी ने लिखा है टॉस दोस्तों भाई आपको बता दें कि टॉस तो अभी हुआ नहीं है टॉस के साथ जैसे मिलेंगे और उसी के साथ देखें जैसे भी अपडेट आएगी आपको दिया जाएगा और आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर सी ची अहमद ने लिखा है बहुत बहुत धन्यवाद सी ची अहमद और टॉस बुलायो की टीम ने जीता है दोस्तों और यहाँ पर बैटिंग करने का निर्णय लिया है ऐसा कहना है यहाँ पर अहमद जी का और देखेंगे दोस्तों किस तरह यहाँ पर जो कि अहमद जी का क्या कहना सही है क्या मेरा अपडेट दोस्तों थोड़ा सा लेट है और देखेंगे कि इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों और बल्लेबाजी कर सकते हैं अगर मैं बात करता हूँ और उसी के साथ दोस्तों बता दे कि यहाँ पर अहमद जी दोस्तों बता दे कि ऐसा लग रहा है कि अहमद जी दोस्तों यहाँ पर जो टॉस की जो अपडेट है दोस्तों वो पहले से ही लेकर आ चुके थे और ये आपको बता दे दोस्तों बुलाई ने यहाँ पर टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और देखेंगे कि दोस्तों ये निर्णय कितना सही साबित होता है कितना गलत साबित होता है मगर देखा जाएगा मगर आकाश खान ने कुछ यहाँ पर लिख कर भेज रहे हैं दोस्तों मगर समझ भी नहीं आ रहा है कि यार जो आकाश खान है दोस्तों वो क्या लिख रहे हैं तो आपको दोस्तों बता सकते हैं आप हिंदी में या इंग्लिश में लिख सकते हैं आकाश खान जी ऐसा या उर्दू में नहीं पढ़ पाते हैं उर्दू लिखी है या दोस्तों यहाँ पर तमिल लिखी है यहाँ पर कुछ पद यहाँ पर कह नहीं सकते हैं मगर दोस्तों हम आते हैं यहाँ पर मैच पर और कैप्टाउन की स्नेप आर्मी के दोस्तों एक बार प्लेइंग एलेवन पर नज़र डाल देते हैं दोस्तों कैप्टाउन की जो स्नेप आर्मी है वो दोस्तों यहाँ पर पहले शुरू होती है गुरबाज रहमदल्ला दोस्तों एक और यहाँ पर बेहतरीन अफ़गानी खिलाड़ी है दोस्तों गुरबाज रहमद की अगर बात करता हूँ तो गुरबाज दोस्तों अपनी टीम के लिए यहाँ पर जो कि अफगानिस्तान के लिए यहाँ पर ओपन करते हैं तो इसमें भी दोस्तों ओपन करते हैं और यहाँ पर पांच मैचों में लगातार यहाँ पर भाग ले चुके हैं रहमदल्ला गुरबाज और दोस्तों गुरुबाज ने यहाँ पर पांच मैचों में दोस्तों मैं बता दें कि आपको यहाँ पर एक सौ सत्तर रन से ज़्यादा रन बना चुके हैं और अगर यहाँ पर क्या जो कि इसने आर्मी को दोस्तों इस मैच को जीतना है तो गुरुबाज का बल्ला बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पर चलेगा और रंचेस की अगर मैं बात करता हूँ तो रंचेस में दोस्तों यहाँ पर गुरुबाज का बल्ला दोस्तों हर हाल में चलता है और उसी के साथ में दोस्तों हम देखेंगे गुरुबाज का बल्ला क्या इस मैच पर चलेगा अगर गुरबाज़ का बल्ला दोस्तों इस मैच में चलता है तो यहाँ पर कैप्टाउन की जो दोस्तों जीत की जो उम्मीदें हैं वो दोस्तों यहाँ पर सत्तर परसेंट यहाँ पर लगभग तय हो जाएंगी और उसी के साथ पार्थिक पटेल की अगर मैं बात करता हूँ पार्थिक पटेल दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम के यहाँ पर पूर्व जो यहाँ पर खिलाड़ी रह चुके हैं और पार्थिक पटेल ने दोस्तों यहाँ पर काफी लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से दोस्तों रिटायरमेंट ले चुके ले लिया है तो कह सकते हैं दोस्तों पार्थिव पटेल की जो यहाँ पर लय देखने को मिली है इस समय जिमाम लीग में उतनी खास नहीं देखने को मिली है मगर कोशिश यही करेंगे दोस्तों यहाँ पर पार्थिव पटेल भी इस मैच को दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन तरीके से अपनी फॉर्म को वापस लाया जाए और देखेंगे दोस्तों कि पार्थिव पटेल यहाँ पर पार्थिव पटेल की अगर मैं बात करता हूँ तो पार्थिव पटेल ने यहाँ पर कप्तानी तो बेहतरीन तरीके से करी है मगर बल्लेबाजी की अगर मैं बात करूँ तो बल्लेबाजी तो उतने खास रन निकले नहीं है पांच मैचों में दोस्तों बता दे के यहाँ पर अस्सी या पचास की रन बनाए हैं मात्र और उसी के साथ में यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखने को मिल सकते हैं वनुका राजपक्षा अगर वनुका राजपक्षा की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो वनुका राजपक्षा यहाँ पर श्रीलंका के दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाज यहाँ पर बल्लेबाज हैं दोस्तों तेज गति के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं अगर मैं आईपीएल की भी बात कर रहा हूँ दोस्तों आईपीएल में यहाँ पर दोस्तों पंजाब के लिए खेलते हैं और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो कि तेज गति और दोस्तों बता दें उछाल को पसंद करते हैं भोनका पक्षा और भोनका पक्षा के सामने दोस्तों चुनौती होगी आज बुलाईवट की टीम के दोस्तों गेंदबाजों की और उसी के साथ में देखेंगे कि भनका पक्षा का चलना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो कि कैप्टाउन की इसने पदमी के लिए अगर दोस्तों कैप्टाउन की टीम इस मैच को जीत लेती है तो कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से कैप्टाउन का दोस्तों जो यहाँ पर रास्ता है वो क्वालिफाई के लिए दोस्तों वो यहाँ पर हो जाएगा लगभग दोस्तों यहाँ पर तय हो जाएगा और बता दे दोस्तों यहाँ पर राजेश सोनी भाई ने लिखा है राजेश सोनी भाई ने लिखा है भाई लोगों यहाँ पर आज का मैच कौन जीतेगा आज का मैच दोस्तों बता दें कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो कि क्योंकि तो बुलायु की टीम दोस्तों ये आज के मैच को जीत सकती है क्योंकि आज की टीम दोस्तों बहुत ही यहाँ पर तगड़ी है और शाही शाह ने लिखा है कि यहाँ पर टॉस कौन जीता है शाही शाह हवाई हाँ आपको बता दे कि टॉस यहाँ से जीता है बुलायु की टीम ने और बुलायू की टीम ने दोस्तों यहाँ पर वक्त से पहले यहाँ पर चुन लिया है दोस्तों बल्लेबाजी करने का मौका यहाँ पर निर्णय और तो देखेंगे दोस्तों कि दौस्तों की बुलायू की टीम किस तरह से अगर इस मैच को जीतना चाहती है अगर दोनों टीमों के लिए दोस्तों ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति में अगर प्लेइंग इलेवन के दोस्तों यहाँ पर अनसार अहमद ने लिखा है भाई अनसार अहमद भाई दोस्तों प्लेइंग इलेवन आपके लिए दोस्तों प्लेइंग इलेवन लेकर आते हैं और जैसे आपको प्लेइंग इलेवन दिख रही है दोस्तों बिल्कुल वैसी ही है थोड़े से चेंजेस आपको देख सकते हैं मगर देखेंगे कि जो यहाँ पर बिल्कुल जो प्लेइंग इलेवन प्रॉपर प्लेइंग इलेवन है दोस्तों वो अभी नहीं देखने को मिली है और ऐसा आपको बता दें कि पहले के मैचों में क्या होता था कि प्लेइंग इलेवन दोस्तों जैसे टॉस हुआ वैसे ही प्लेइंग इलेवन आ जाती थी मगर अब क्या प्लेइंग इलेवन है दोस्तों हमारे मैच से पांच मिनट पहले या दस मिनट तो पहले ही प्लेइंग इलेवन आती है तो हम आपको दोस्तों प्रॉपर प्लेइंग इलेवन यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं दोस्तों अभी तक प्लेइंग इलेवन आई नहीं है अब मगर जैसे हम आपको बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल वैसे ही प्लेइंग इलेवन हो सकती है मात्र एक या दो बदलाव हो सकते हैं अहमद भाई और इसी के साथ में दोस्तों अगर यहाँ पर सेन विलियम्स की अगर मैं बात करता हूँ एक और स्टार खिलाड़ी है और सैन विलियम्स दोस्तों देखेंगे कि किस तरह से पर मैच को आगे की ओर लेकर जाते हैं दोस्तों अगर कोई भी सवाल हो आपका मैच से जुड़ा हुआ दोस्तों तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ लाइव आने के लिए अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कराया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर फॉलो नहीं करा है दोस्तों तो फॉलो कर लीजिएगा आपको हर मैच में हम आपके साथ दोस्तों लाइव आने के लिए तैयार हैं और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज में बता दूं इंडिया और पाकिस्तान से जुड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों आई है आज ही आई है और आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर जो वर्ल्ड कप था दोस्तों वर्ल्ड कप यहाँ पर पंद्रह अक्टूबर को पर बाबर आजम के वनडे पर दोस्तों पंद्रह अक्टूबर को जो मैच होना था यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करूँ कोलकाता के ईटन गार्डन में और गुरुवारज के साथ दूसरा ओपन और यहाँ पर अंसार अहमद ने लिखा है दोस्तों गुरुवारज के साथ यहाँ पर दूसरा ओपन कौन कर करने को मिलेंगे अगर भाई आपको बता दें कि गुरुवाज के बाद अगर ओपन की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे साथ दोस्तों आज पार्थिक पटेल देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पर इससे पहले दोस्तों यहाँ पर गुरुबाज के था जो आप यहाँ पर ओपन करते थे दोस्तों उनको चोट चोट पर लग गई है और जिसके कारण दोस्तों हम नहीं देखने को मिलेंगे या पार्थिक पटेल दोस्तों चार नंबर आने के बाद आपको बता दें कि पार्थिव पटेल चार नंबर पा चुके आ सकते हैं मगर ओपन के लिए अगर मैं बात करता हूं तो ओपन अभी दोस्तों यहाँ पर जो प्लेइंग इलेवन है वो नहीं आई है तो यहाँ पर कोशिश यही रहेगी दोस्तों की पार्थिव पटेल आज ओपन कर सकते हैं ज्यादा संभावना लग रही है और उसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि कैप्टाउन की स्नेप आर्मी की और पर सेंट्रल क्वार्टर को दोस्तों आप प्ले इलेवन में जरूर रख सकते हैं अगर ड्रीम इलेवन दोस्तों अगर माई इलेवन सर्कल पर आप ये दोस्तों मैच बना सकते हैं मैच खेलते हैं दोस्तों मैच आप टीम को कवर करते हैं तो आप सेंड्रल क्वारल को रख सकते हैं तो सेंड्रल क्वार्टर ने यहाँ पर कल के दिन दोस्तों तीन विकेट निकाले थे वो भी दो यहाँ पर दो रन देकर और सेंड्रल क्वार्टर ने क्या बेहतरीन तरीके से करी थी अब जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर दोस्तों मैं वापस आता हूँ तो आपको बता रहे दोस्तों की पंद्रह अक्टूबर को जो मैच होना था वार में आपका भारत और पाकिस्तान का उससे जुड़ी ये खबर है दोस्तों आज ही के दिन ये यहाँ पर बता दी कि पाकिस्तान बोर्ड ने यहाँ पर इंडिया को इंडिया से दोस्तों पंद्रह अक्टूबर से जो यहाँ पर मैच होना था उसको खेलने से मना कर दिया है बोल रहे हैं कि दोस्तों हम नहीं खेलेंगे जब उनसे पूछा गया वी और आई ने पूछा कि आप क्यों नहीं खेलेंगे तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि दोस्तों सिक्योरिटी के यहाँ पर भारत में दोस्तों सिक्योरिटी को लेकर उन्हें खतरा है जिस तरह से यहाँ पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था वैसे ही दोस्तों वर्ल्ड कप के लिए यहाँ पर पाकिस्तान ने दोस्तों वहाँ पर इंडिया आने से मना कर दिया है और देखेंगे कि किस तरह से मैच को आगे बढ़ाया जाता है और इसी के साथ में अली अली भी ने लिखा है पता नहीं अली भाई ने क्या लिखा है दोस्तों और आपको बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों और आपके सवाल हैं वो आपको बेहतर ही है और देखेंगे दोस्तों किस तरह से यहाँ पर करी जाती है और आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग एलेवन आप जैसे देख सकते हैं कैप्टाउन की इसने आर्मी की और क्या बेहतरीन तरीके से आपको बता दें कि यहाँ पर कलीम जन्नत आपको दोस्तों एक अच्छे पिक हो सकते हैं यहाँ पर ड्रीम इलेवन के लिए आप सुनो दोस्तों कलीम जन्नत को आप यहाँ पर आप रख सकते हैं मुझी वो रहवान को भी दोस्तों रख सकते हैं और पीटर हैड्स गोलू पीटर हैड्स गोलू के साथ आपको बता दें कि पीटर हैड्स गोलू आपको तभी रखिएगा जब यहाँ पर टॉस दोस्तों हो चुका है टॉस यहाँ पर जीता है बुलायू की टीम ने और उसने पार्मी दोस्तों यहाँ पर मैच को यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी करेगी पहली और पीटर हेड्स गोलू को अपनी ड्रीम इलेवन पिक में दोस्तों तभी रखेगा जो दोस्तों यहाँ पर जो कि थोड़ी पिच हो तो बैटिंग फ्रेंडली हो दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर तेज गति के साथ दोस्तों यहाँ परीटर हेड गोलू यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं यहाँ पर लंबे कद कतकें उछाल प्राप्त कर सकते हैं तो फिर ड्रीम एलेमेंट टीम में दोस्तों पीटर हैड्स गोलू को जरूर रख सकते हैं यहाँ पर रखिएगा और उसी के साथ में यहाँ पर सैनल कॉटरल को रख सकते हैं आप लोग और रिचर्ड नगारा मेरे हिसाब से दोस्तों रिचर्ड नगारा आज के मैच में दोस्तों कुछ खास यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे जितनी दोस्तों इस समय पिच के अनुसार मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ और कलीम जन्नत दोस्तों आज के मैच में यहाँ पर कुछ खास योगदान दे सकते हैं और यहाँ पर अफग़ान बॉस ने लिखा है हाय हेलो भाई कैसे हैं आप और इसी के साथ में अगर आपका कोई भी सवाल हो दोस्तों आप लोग पूछ सकते हैं हाय भाई और अगर मैं आपको बता दूं कि मुजीब और रहमान भी दोस्तों यहाँ पर अच्छी पिक हो सकते हैं तो यहाँ पर देखेंगे की यहाँ पर अगर मैं बॉलर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आप बॉलर्स दोस्तों यहाँ तो पर तीन ऑलराउंडर रख लीजिए रख लीजिएगा यहाँ पर पहला तो दोस्तों अगर स्नैप यहाँ पर स्नैप आर्मी की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले दोस्तों यहाँ पर कलीम जन्नत ऑलराउंडर की मैं बात कर रहा हूँ भाई लोगों यहाँ पर कलीम जन्नत उसके बाद यहाँ पर गेंदबाज़ों के अगर मैं बात आता हूँ तो दोस्तों पीटर हैर्सगुलू सेंट्रल कॉटरेल और मुजीबुर रहमान तीन तो हो गए और दोस्तों एक यहाँ पर जो कि बलायु की टीम के रख ली गा और ऑलराउंडर में दोस्तों अगर आपको बता दें कि मोहम्मद दोस्तों मोहम्मद कामिल ने लिखा है हाय हेलो भाई हेलो कैसे हैं आप मोहम्मद कामिल आपका कोई भी सवाल हो दोस्तों आपको बता दें आप इस मैच का यहाँ पर मजा लीजिएगा दोस्तों आप ये भी बताइएगा आप ये मैच कहाँ से देख रहे हैं आपका कोई भी सवाल हो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं और यहाँ पर मोहम्मद मोहम्मद कामिल भाई हाँ हाय हाँ, भाई हाय आप बार बार दोस्तों हाय लिख रहे हैं कोई बात नहीं है। मैंने आपका जो कमेंट था उसको पढ़ लिया है हमने आपको उसको रिप्लाई भी कर दिया दोस्तों और उसी के साथ में यहाँ पर वानी यहाँ पर उमाल आ चुके हैं वो भी हाय हेलो हाँ, 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 भाई कैसे हैं आप लोग और देखेंगे कि दोस्तों कि किस तरह से इस मैच को जीता जाएगा बलायु की टीम ने टॉस जीत कर यहाँ पर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और आपको बता दें दोस्तों यहाँ से अगर के बलायू की टीम ने एक अच्छा टोटल नहीं दिया है टॉस शिव सिंह यहाँ पर शिव सिंह ने भाई ने लिखा है कि टॉस कौन जीता है टॉस आपको बता देंगे दोस्तों बुलायू की टीम ने बुलायु की टीम ने दोस्तों यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का कर निर्णय लिया है और राहुल कुमार सिंह ने हेलो भाई कैसे हैं आप हाय और मोहम्मद कामिल लिखा है आप कहाँ से हैं भाई मैं इंडिया से है उसके बाद इंडिया से होने के बाद मैं यहाँ पर जो कि यूपी से हूँ दोस्तों यूपी से मैं हूँ और आप बताइए दोस्तों आप कमेंट बताइए कि आप कहाँ से हैं अगर आपका कोई भी सवाल हो तो बताइए दोस्तों और शाम पर क्या लिखा है ईशान भाई ने दोस्तों यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तमिल में लिखा है या उर्दू में लिखा है तो आप दोस्तों फिर से वहाँ पर बताइए कमेंट में करिएगा इसको रिप्लाई अगर कोई भी दोस्तों इसका यहाँ पर इसको पढ़ सकता है तो आप लोग दोस्तों हिंदी में या इंग्लिश में इसको टाइप करिएगा अगर कोई भी दोस्त तो इस मैच को यहाँ पर इस कमेंट को पढ़ सकता है और इसी के साथ में आपको देखेंगे कि आपको कम से कम हिंदी तो लिखिएगा हिंदी नहीं और आपको बता दें कि बुलायू की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और यहाँ पर देखें अगर बुलायू की टीम को इस मैच इस यहाँ पर ये मैच अगर जीतना है तो बुलायू की टीम को एक अच्छा टोटल देना पड़ेगा राहुल भाई सिंह मस्त है झारखंड से ओ भाई आप झारखंड से देख रहे हैं अरे भाई आप यार झारखंड बता दें बहुत ही सुंदर देश है यार बहुत यहाँ पर बेहतरीन मध्य कोई प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पर अगर जीवन में कभी हुआ दोस्तों तो हम आपके साथ जरूर आएंगे और टॉस विन की बात कर रहे हैं शिव सिंह ने यहाँ पर लिखा है टॉस कौन जीता है तो टॉस आपको बता दें कि दोस्तों टॉस यहाँ पर बुलायू की टीम ने जीता है पर बुलायू की टीम ने टॉस जीतने के साथ यहाँ पर जो कि हम देखेंगे कि दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और इसी के साथ में देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पर तो कि बता दें कि यहाँ पर जो उमल ने लिखा है हुई ये क्या हुई वसीम खान ने लिखा है इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका का टू डे स्कोर बताना प्लीज़ अभी बता रहा हूँ भाई रुकिएगा ये एक मिनट रुक जाइएगा अभी बता रहा हूँ दोस्तों वसीम खान भाई अरे आप उसकी अब आप, आप बता सकते हैं आप उसकी यहाँ पर लोग लाइव स्ट्रीम लेकर आ जाता आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं वसीम भाई कोई बात नहीं आप थोड़ी सी रुकीगा और आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान की टीम ने यहाँ पर पाँच रन बना लिए हैं पांच विकेट पर और जो लीड हो चुकी है दोस्तों वो तीन सौ सत्तानवे रन की हो चुकी है और दोस्तों बता दें कि आज के दिन में आज के खेल में दोस्तों मात्र यहाँ से पांच ओवर शेष बचे हैं और मोहम्मद रिजवान की अगर मैं बात करूं दोस्तों मोहम्मद रिजवान यहाँ पर यहाँ पर सैंतीस रन बनाकर खेल रहे हैं और उसी के साथ में अगर सलमान की अगर मैं बात करूँ तो सलमान ने दोस्तों एक रन बनाए हैं बहुत बड़े तरीके से वसीम खान पाकिस्तान से आ रहे भाई कोई बात नहीं यहाँ पर कोई बात नहीं आप दोस्तों पाकिस्तान भी बहुत प्यारा देश है आप पाकिस्तान से जुड़े रहिए दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर पाकिस्तान की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान की यहाँ आप और बता दो आप लोगों को भाई वसीम भाई ने पूछा था सवाल और पाकिस्तान और यहाँ पर श्रीलंका का जो मैच है दोस्तों वो आज के दिन का यहाँ पर खत्म खत्म हो चुका है और देखेंगे कि यहाँ पर जो कि पाकिस्तान की टीम है दोस्तों इस मैच को डिक्लेयर कब करती है अपनी पारी डिक्लेयर कब करती है और राजेश सोनी लिखा है भाई बुलाई और कैप्टन की प्लेइंग इलेवन क्या है आपको बता रहे हैं दोस्तों अभी रुक जाइए राजेश भाई आपको आपको बता दें कि प्लेइंग इलेवन और पहले दोस्तों आप यहाँ पर पिच रिपोर्ट दिख लीजिए आपको बताया था कि ये पिच रिपोर्ट थोड़ी सी यहाँ पर जो कि बैटिंग फ्रेंडली हो सकती है और रन अगर फर्स्ट इनिंग एवरेज के अगर रन स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ अगर पहली इनिंग में कितने रन बन सकते हैं तो मेरे हिसाब से मान के चलिए 110 से लेकर 115 तक बन सकते हैं अगर यहाँ पर ओपनिंग ने यहाँ पर अच्छा काम करके दिखाया है और आपको पहले टॉस अगर दोस्तों बता दे कि यहाँ पर एक और इस ग्राउंड की एक अच्छी खासियत यह रहती है कि यहाँ पर जो भी टीम पहले दोस्तों यहाँ पर जो कि बैटिंग करती है उसके जो सो जीतने के यहाँ पर जो कि सत्तर परसेंट यहाँ पर चांस हो जाते हैं जो इस ग्राउंड में दोस्तों पहले बैटिंग करती है और उसी के साथ में अगर प्लेइंग राजेश सोनी भाई ने लिखा है प्लेइंग इलेवन तो प्लेइंग इलेवन दोस्तों भाई राजेश सोनी भाई अभी आपको बता दें कि प्लेइंग इलेवन यहाँ पर जो कि प्रॉपर तरीके से आई नहीं है और आपको जैसे ही भी आए की दोस्तों हम आपको बता देंगे भाई मेरे हिसाब से पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत जाएगा हाँ राजेश सोनी बिल्कुल भाई ऐसा लग रहा है कि राजेश यहाँ पर क्योंकि तो पाकिस्तान है वो आराम से इस मैच को जीत जाएगा क्योंकि बता दें कि 400 रन की लीड हो चुकी है यहाँ पर काफी ज्यादा दोस्तों यहाँ पर लीड हो चुकी है और देखेंगे किस किस तरह से यहाँ पर मैच को आगे बढ़ाया जाएगा यहाँ पर कोशिश यही रहेगी दोस्तों पाकिस्तान की इस मैच को डिक्लेयर कब करते हैं अपनी पारी को डिक्लेयर कब करते हैं और जैसे दोस्तों राजेश सोनी भाई जैसे ही इस मैच की प्लेइंग इलेवन आपके सामने आएगी दोस्तों मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा कि मैच दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग इलेवन है वो किस तरह आप से आपसे रहती है और आप चिंता मत करिए आपकी टीम है दोस्तों वो बिल्कुल बन जाएगी अगर वेन्यू के स्टेट्स की बात करें दोस्तों जो यहाँ पर जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर बुलायू की टीम ने टॉस जीता है टॉस के साथ दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और प्लेइंग इलेवन यहाँ पर सही तरीके से दोस्तों आ चुकी है आपको बता दें कि प्लेइंग इलेवन यहाँ पर आ चुकी है मगर उससे पहले आप दोस्तों एक नजर बना के रखिए यहाँ पर जो कि तेज गेंदबाजों में और स्पिन गेंदबाजों ने तेज गेंदबाजों की अगर मैं बात करता हूँ तो तेज गेंदबाजों ने दोस्तों इस पिच पर यहाँ पर जो छप्पन विकेट लिए हैं और वहीं स्पिन गेंदबाजों की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों इस स्पिन गेंदबाजों ने यहाँ पर इकहत्तर विकेट लिए हैं तो कह सकते हैं दोस्तों कि स्पिन गेंदबाजों के लिए यहाँ पर एक अच्छी हो सकता है दोस्तों कि पर स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद मिल सके क्योंकि जो कल आज सुबह दोस्तों यहाँ पर बारिश हो गई थी दोस्तों जिसके कारण यहाँ पर कि हम देख सकते हैं कि स्पिन गेंदबाजों को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से मदद मिल सकती है और आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर कैप्टाउन की दोस्तों टीम ने यहाँ पर कैप्टाउन की टीम दोस्तों आ चुकी है प्लेइंग इलेवन और देखेंगे उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि अगर बलायु टीम की अगर मैं बात करता हूँ तो बलायु की टीम का दोस्तों यहाँ पर जो कि प्लेइंग एलेवन है वो आ चुकी है मगर आपको साथ में दोस्तों बता देते हैं और पवन यादव कम बैक ग्राउंड हाँ भाई कम बैक ग्राउंड दोस्तों बता दें कि पवन यादव आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर कमेंट करने के लिए आप इस मैच को जीतने के लिए और देखेंगे कि पवन यादव भाई कहाँ से हैं आप किस मैच को आप किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं राजेश सोनी भाई अगर हम आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि आप कहाँ से यहाँ पर कहाँ से इस मैच को देख रहे हैं और यहाँ लोग ये भी बताइए दोस्तों आप कौन सी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं प्लेइंग एलेवन दोस्तों आ जाएगी और सलीम खान ने लिखा है हाय हेलो भाई कैसे हैं आप और आप बताइए दोस्तों कहाँ से इस मैच को देख रहे हैं और आप बताइए की कौन सी टीम को आप मैच को सपोर्ट करना चाहते हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर जो कि देखना होगा दोस्तों बुलाइए की टीम किस तरह से इस मैच को जीती है और कोशिश ये रहेगी यहाँ पर तो निर्मल निर्मल ने लिखा है निर्मल भाई हेलो कैसे हैं आप और उसी के निर्मल हाय भाई हेलो भाई निर्मल भाई कैसे हैं आप आपको बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल भाई आप हमारे साथ आने के लिए और आप निर्मल भाई कहाँ से हैं आप कहाँ से इस मैच को देख रहे हैं और यहाँ पर बता रहे हैं दीपू राना ने लिखा है टॉस कौन जीता है जी, जीता है आप बता रहे टॉस भाई दीपू भाई टॉस यहाँ पर बुलायू की टीम ने जीता है और यहाँ पर टॉस जीतने के साथ पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और मैं बता दूँ राजेश सोनी भाई मैं इंडिया के इंडिया से सिटी नखलौ से हूँ अरे आप हमारी राजधानी से हैं नखलौ से हाँ राजेश सोनी भाई क्या बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों आप हमारे राजस्थान से है और निर्मल भाई ने लिखा है यहाँ पर रांची से आप रांची से इस मैच को जी देख रहे हैं हम बहुत बड़ी बात है दोस्तों आप रांची से हैं देख रहे हैं यहाँ पर धोनी के दोस्तों यहाँ पर शहर से इस मैच को जीता देखा जा रहा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और पवन यादव ने लिखा है मैं इंडिया से हूँ पवन भाई आप बिल्कुल आप इंडिया से हैं ऐसा लग रहा है जैसे आपका नाम से ही दोस्तों लग रहा है कि आप इंडिया से ही है पवन यादव जी और यहाँ पर जलवा तो दोस्तों यहाँ पर यादवों का ही है और देखा जाए किस तरह से मैच को आगे बनाया जाएगा और आपको बता दें कि प्लेइंग इलेवन दोस्तों आ चुकी है थोड़ा सा थो दोस्तों उसको यहां पर शो नहीं करा गया है यहां पर पर ड्रीम पे दोस्तों यहां पर जो कि प्लेइंग आ चुकी है मगर आपको बता दें दोस्तों की यहाँ पर जो की अगर यहाँ पर गूगल पे दोस्तों अभी नहीं देखने को मिल सकती है यहाँ पर प्लेइंग इलेवन थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत की वजह से और देखेंगे कि दोस्तों किस तरह से बुलायु की टीम इस मैच को जीतेगी और यहाँ पर मेहमु यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर यहाँ पर लिखा है दोस्तों इस मैच में देखा जाएगा कि यहाँ से

तभी इस मैच को जीत सकती है जब यहाँ पर बल्लेबाज को बल्लेबाजी को यहाँ पर रोका जाए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों बुलायू की टीम को पहले आपको दोस्तों यहाँ पर सिकंदर रजा दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग जो बल्लेबाज है उनको आउट करना पड़ेगा पवन यादव पवन यादव ने लिखा है भाई यहाँ पर यादव जी हाँ हाँ बिल्कुल भाई यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल जलवा है और यहाँ पर राजेश सोनी देखेंगे कि अगर भाई लोग जितने भी लोग आप लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं मेरी आवाज को दोस्तों फॉलो कर रहे हैं आपको बता दें कि अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि कल का मैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल का मैच दोस्तों हम लाएंगे सात बजे इसी चैनल पर दोस्तों इसी यहाँ पर पेज पर फेसबुक पेज पर वो भी दोस्तों इंडिया वेस्ट इंडीज का पहला ओडियाई और देखेंगे कि दोस्तों पहले ओडियाई में आप लोग किस तरह से इस मैच को देखेंगे और आपको बता दें दोस्तों अगर आप ड्रीम इलेवन पर दोस्तों यहाँ पर टीम चाहते हैं दोस्तों हम आपको फ्री में दोस्तों टीम प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर लॉस हुआ दोस्तों फिफ्टी परसेंट मैं आपको दे सकता हूँ अगर लॉस होगा मेरी यहाँ पर टीम से दोस्तों तो परसेंट आपको टेन परसेंट आपको देगा तो अगर फिफ्टी परसेंट दे सकता हूँ इससे ज्यादा नहीं भाई देख सकता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर राजेश सोनी भाई यहाँ पर पवन यादव और आपको बता दें दोस्तों महमूद यहाँ पर महम, महमूद वोइब दोस्तों बता देंगे यहाँ पर पाकिस्तान से हैं और देखेंगे कि दोस्तों किस तरह से मैच को आगे बढ़ाया जाता है और अभी प्लेइंग इलेवन और आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग इलेवन आ चुके हैं बुलायु टीम के दोस्तों जिस तरह से आपको मैंने बताया था कि ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिल सकता है बुलायु की टीम में और बिल्कुल दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर बुलायु की टीम के आ चुके हैं और आपको बता दें दोस्तों अगर यहाँ पर राजेश भाई अगर इस मैच को यहाँ पर अगर कप्टान की टीम को दोस्तों जीतना है तो यहाँ पर जो कि चार बल्लेबाज हैं पर ऊपरी क्रम के उनको आउट करना पड़ेगा दोस्तों तभी यहाँ पर जो कि बुलायु की टीम के ऊपर खतरा मड़वारा यहाँ पर जो कि दिक्कत आ सकता है और इसी के साथ में अगर गेंदबाजी की अगर मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों तो, तो, तो यहाँ पर बुलायु की टीम के पास बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी है बस कुछ ही देर में दोस्तों यहाँ पर मैच शुरू होने वाला है और उसी क्षेत्र में देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर मैच को बढ़ाया जाता है तब तक दोस्तों आप लोगों ने फॉलो नहीं करा दोस्तों तो फॉलो कर लीजिएगा और इस मैच को दोस्तों आनंद से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इस मैच का लुत्फ़ उठाइएगा और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों देखेंगे कि मैच को आगे बढ़ाया जा सकता है और इसी में आप लोग दो, दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बैंड डोमट यहाँ पर अच्छे तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हैं अभी तक इनका बल्ला देखने अभी हम बात करें जिम्मे जिम्मा प्रीमियर लीग में इनका वाला बेहतरीन तरीके से बोला नहीं है तो कोशिश यहाँ पर जो कि बुलाई टीम के जो सपोर्टर्स हैं यहाँ पर टीम है वो चाहती है कि बेन डोमंड का बल्ला इस मैच में चले और दोस्तों उसी के साथ मैं सिकंदर रजा की आपको बताए चुके हैं दोस्तों सिकंदर रजा कितने खतरनाक प्लेयर हैं और दोस्तों सिकंदर रजा का अगर बल्ला चलता है दो तो दोस्तों एक तरफा ही इस मैच को यहाँ पर जो कि जिताने की जो काबिलियत है दोस्तों वो रखते हैं उसी के साथ में एक और स्टार खिलाड़ी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से रियान बुरी रियान बुरी को पता दोस्तों यहाँ दारो होगा क्योंकि रियान बुरी भी दोस्तों यहाँ पर लंबे समय से इस टीम के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर लगातार भरोसा जताया जा रहा है मगर यहाँ पर भरोसा के साथ यहाँ पर दगाबाजी भी कर रहे हैं रियान भू है। जितना इनको भरोसा मिल रहा है दोस्तों तो उतना ही यहाँ पर दगाबाजी करते आ रहे हैं बता दें दगाबाजी कैसे कर, कर रहे हैं कि दोस्तों इनको ऊपर भी भेजा जा रहा है उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ कि ये यहाँ पर रन नहीं बना रहे हैं रन बिल्कुल नहीं बना रहे हैं अगर कैप्टाउन की टीम की अगर मैं बात करता हूँ तो कैप्टान की टीम दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं टॉम करन करीम जन्ना दोस्तों मुजीब रहमान पीटर रिचर्ड नगारा सैम है और यहाँ पर मुरु मानी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं मेरे हिसाब से दोस्तों देखे जाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से देखने को मिलेगी मगर सेंडल के ऊपर यार निगाहें होंगी जिस तरह से उन्होंने कल गेंदबाजी करी थी दो ओवर में यहाँ पर तीन विकेट निकाले थे तो देखेंगे किस तरह से अपन मैच को आगे लेकर जाते हैं अगर कोई भी सवाल दोस्तों आप लोगों का है तो कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा बताइएगा जो भी दोस्तों खिलाड़ी देख रहे हैं हम जो भी यहाँ पर दोस्तों भाई लोग देख रहे हैं आप लोग आपका कोई भी सवाल हो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएगा और देखेंगे कि हाँ तो से पर मास्टर चार मिनट के बाद दोस्तों ये मैच यहाँ पर शुरू होने वाला है और देखेंगे कि दोस्तों किस तरह से बुलाईव टीम के यहाँ पर खिलाड़ी हैं वो इस मैच को दोस्तों वहाँ पर लेके जाते हैं और आपको बता दें दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम है दोस्तों आपको ड्रीम इलेवन टीम दोस्तों बना के आपको बताता हूँ तो दोस्तों विकेट कीपर में आप सबसे पहले यहाँ पर दोनों विकेट कीपर हैं दोस्तों बैन डोमार्ट और उसके बाद यहाँ पर रेहमन उल्ला गुरबाज दोस्तों पिक कर अगर मैं की बात कर रहा हूं दोस्तों उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर एस्टन टर्नर एस्टन टर्नर को दोस्तों आप जरूर रखिएगा इस मैच में क्योंकि एस्टन टर्नर दोस्तों यहाँ पर कुछ खास यहाँ पर योगदान दे सकते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर एस्टन टर्नर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाईस परसेंट लोगों ने इनको पिक करा है और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि कैफलेट की पर हैफी कैफलेट दोस्तों बुलाई की टीम के साथ आज ओपन करने को देखने देखने को मिल सकते हैं उसी के साथ में अगर मैं आपको बता बात करूं दोस्तों टॉम मुरुमानी टॉम मुरुमानी को भी दोस्तों आप पिक कर लीजिएगा तो यहाँ पर दो विकेट कीपर हो गए दोस्तों तीन यहाँ पर बैट्समैन हो गए और देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से राजेश सोनी भाई ने लिखा है भाई लाइव एक्शन कब होगा लाइव एक्शन थोड़ी ही देर में आपको देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ परमिशन नहीं है यहाँ आप पर आपको बता दें कि लाइव मैच चलाने की दोस्तों वरना हम आपके लिए दोस्तों यहाँ पर लाइव एक्शन जरूर लेकर आते हैं मगर यहाँ पर जो कि जो भी दोस्तों यहाँ पर लाइव एक्शन होगा वो हम आपके लिए लाएंगे इस चैनल पर नहीं दोस्तों यहाँ पर दूसरे चैनल पर लेकर आएंगे मगर आपके लिए दोस्तों लेकर जरूर आएंगे जिस तरह से आप राजेश सोनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और उसी के साथ में यहाँ पर जो कि तीन यहाँ पर दो बैट्समैन यहाँ पर ड्रेन जो कि विकेट कीपर हो गए बेन डोम और यहाँ पर गुरबास और उसी गुरबासन में अगर विकेट पर बैट्समैन के अगर मैं आ जाता हूँ में में, तो आपको बता दें दोस्तों टॉम मुरुमानी बेन कॉफलेट और एस्टन टंडर के ऊपर आप भरोसा जता सकते हैं और उसी स्थान में अगर ऑलराउंडर की लिस्ट में आ जाए तो ऑलराउंडर में आप देखने देखने को मिल सकते हैं दोस्तों अगर मैं ऑलराउंडर की अगर मैं बात करता हूँ तो सिकंदर रजा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेस्टर वेन वेस्टर सैम बिलियंग्स टॉम करन और दोस्तों कलीम जन्नत के ऊपर आप भरोसा मत जताइए क्योंकि जन्नत दोस्तों यहाँ पर क्योंकि तो महंगे भी साबित होते हैं आपको पॉइंट्स नहीं देंगे क्योंकि तो रन भी काफी लुटाते हैं और दोस्तों कलीम जन्नत के ऊपर मैं भरोसा नहीं जताऊंगा दोस्तों पर कलीम जन्नत को दोस्तों अपनी टीम में नहीं लूंगा और उसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि बॉलर पर आ जाते हैं बॉलर पर आ जाते हैं दोस्तों तो आपको वजह से मैंने बताया कि पीटर हैड्सगोलू और तस्किन अहमद के ऊपर दोस्तों भरोसा जता सकता हूँ और इसी के साथ में अगर मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पर क्योंकि मैं फिर से आपको बता दू दोस्तों यहाँ से जो हमारी प्लेइंग एलेवन है दोस्तों

दोस्तों इसी के साथ में यहाँ पर प्लेंग एलेवन बन चुकी है और आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर जो कि कप्तान कौन हो देखने को मिल सकते हैं है। कप्तान दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ से वैन टोम को वैन वेन को दोस्तों आप कप्तान बना है। सकते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वैन दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर सकता है वो यहाँ पर खतरा नहीं ले सकते यार ऐसा लग रहा है कि खतरा नहीं ले सकते हैं मगर मैं आज जोखिम लूंगा और देखा जाएगा और इसी के साथ में वाइस कप्टन आपको बना दिया है और इसी के साथ में दोस्तों बता दें कि लाइव एक्शन थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है बस दोस्तों और जब तक आप लोग दोस्तों हमें इस मैच को शुरू होता है तब तक दोस्तों तब तक हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और यहाँ पर दोनों टीम के दोनों टीमों के दोस्तों जो खिलाड़ी हैं वो आते हुए पर ग्राउंड में आ चुके हैं दोस्तों और आपको बता दें यहाँ पर जो कि की टीम ने बिल्कुल दोस्तों विपरीत यहाँ पर बिल्कुल विपरीत दोस्तों सोच नहीं सकते थे क्या यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों बल्लेबाजी को उतारा है और यहाँ पर कि ओपनिंग बल्लेबाज की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहे ओपनिंग बल्लेबाज है रियान बुरी और उसी के साथ में यहाँ पर जो कि अगर बात करें उन्होंने करेक्ट यहाँ पर किया अनक्रैक्ट किया दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे और रियान बुरी के साथ में ओपनिंग बल्लेबाज है यहाँ पर रियान बो यहाँ पर बुलाई हुई टीम के और दोस्तों जो गेंदबाजी लाने जा रहे हैं वो गेंदबाजी लाएंगे दोस्तों यहाँ से गेंदबाजी आपको देखने को मिलेगी सेंडल कॉटल के द्वारा और यहाँ पर जो के बात करता हूँ दोस्तों बुलायु के बल्लेबाजों को सही से यहाँ पर खेलना पड़ेगा सही तरीके से खेलना पड़ेगा अगर मैं बात करूँ वरना दोस्तों कि सेंट्रल क्वार्टर यहाँ पर दो तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं और क्या बेहतरीन धार धार गेंदबाजी करते हैं तो सेंट्रल क्वार्टर दोस्तों तैयार है राउंड द विकेट से गेंद लाने के लिए यहाँ पर इनकरेक्ट क्रिया के लिए और उसी के सामने पहली बॉल खेलने के तैयार है सनल कॉट्रेल कॉट्रेल दोस्तों फील्ड यहाँ पर जो की फील्डिंग में तब्दीली करी जा रही है और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पहली बॉल यहाँ पर किया के द्वारा खेली जाएगी किया ने दोस्तों तैयार राउंड द दोस्तों कदमों का इस्तेमाल करा सीधे बल्ले के साथ खेला यहाँ पर लॉन्ग ऑन दिशा में और सी के साथ दोस्तों बता दें कि आसानी से एक रन देखने को मिल सकता है उसी एक रन के साथ दोस्तों बता दें कि बुलाई की टीम का यहाँ पर खाता खुल चुका है और सी के साथ दे बता दें आप लोगों को कि एक रन हो चुका है एक रन एक बॉल पर और यहाँ पर निर्धारित साठ गेने होती हैं दोस्तों वहाँ पर टी ट्वेंटी में यहाँ पर छह ओवर का पावर प्ले होता है और दोस्तों टी टेन में तीन तीन ओवर का पावर प्ले होता है दोनों टीमों के पास और देखना होगा दोस्तों बुलायू की टीम के जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं यहाँ पर वो रियान बोरी दोस्तों ने ऑप किया वो इस पावर प्ले को बहुत अच्छे तरीके से बुलाने की कोशिश करी जाएगी और यहाँ पर बता दें कि रियान बोरी को ऊपर भरोसा जताया कि जताकर दोस्तों उनको ओपन भेजा गया है और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी इस मैच को जीता बस जीतना होगा अगर दोस्तों हम बता दें और देखेंगे कि इस तरह से अपर मैच वहां पर स्टार्ट होता है बस थोड़ी ही देर में मैच आपको साथ लाइव देखने को मिल सकता है और अभी बता रहे हैं दोस्तों वहाँ पर जो कि पर दोनों टीम के खिलाड़ी यहाँ पर मैदान में दोस्तों आते हुए बातचीत कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से और प्ले कलबन दोस्तों आप थोड़ी सी दोस्तों वहाँ पर दिक्कत की वजह से थोड़ा सा नेट यहाँ पर कनेक्शन के कारण आपके साथ दोस्तों वहाँ पर लाइव स्कोर अपडेट नहीं कर सकते हैं मगर आपको थोड़ी ही देर में दोस्तों ये इस दिक्कत से निवारण मिल जाएगा और बता दें टीम का स्कोर दोस्तों वहाँ पर हो चुका है दो रन बिना किसी नुकसान पर तीन गेने हो चुके हैं अभी भी दोस्तों यहाँ से तीन गन्ने बच चुके हैं पे पर बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करते हुए और बिल्कुल दोस्तों बता दें कि कॉटेल रूम नहीं दे रहे हैं यहाँ पर जगह नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को मारने का चाहे वो दोस्तों रियान बुरी हो ब्रो मैं पाकिस्तान से हूँ हाँ भाई मैंने बताया था दोस्तों आप पाकिस्तान से हैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका आने के लिए हमारे मोहम्मद भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों आपके इंडिया की यहाँ पर लाइव स्ट्रीम है दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ब्रो बिल्कुल भाई यहाँ बताइए आप ब्रो तो इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर हो चुका है दो रन बिना किसी नुकसान पर और यहाँ पर इसी के साथ दोस्तों बता दें कि राउंड द विकेट तो तैयार है सन्नल कॉटर पटके दोस्तों कदमों का इस्तेमाल करा गया और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ और बता दें कि बेहतरीन फील्डिंग के चक्कर में दोस्तों दो रन बचा लिए गए अपनी टीम के लिए और इसी के साथ यहाँ पर इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर यहाँ पर चार रन हो जाएंगे दो चार रन हो जाएंगे दोस्तों चार बोलों में और आप लोगों को बता दूं दोस्तों आप लोग जो भी यहाँ पर जो कि कैप्टाउन दोस्तों कैप्टान को सपोर्ट कर रहे हैं और मैं बता दूं दो दोस्तों जहाँ जो पर ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बिलायु की टीम आसानी से इस मैच को जीत जाएगी जो भी दोस्तों यहाँ पर कप्टान को सपोर्ट कर रहे हैं मेरी एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा कम इन, इन्वेस्ट करिएगा थोड़ा दोस्तों ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा यहाँ पर कैप्टान के ऊपर क्योंकि बता दें कि इसके बाद भी दो मैच हैं आप एक ही मैच में सारा पैसा मत लगाइएगा थोड़ा ही इन्वेस्ट करिएगा और आपको बता दें कि यहाँ से ऐसा लग नहीं रहा है कि कप्टान की टीम दोस्तों इस मैच को जीत पाएगी क्योंकि यहाँ पर जो भी टीम दोस्तों इस मैच को यहाँ पर चेस करती है उसके यहाँ पर जीतने के जो परसेंटेज होते हैं वो कम हो जाते हैं और इसी के में पांच गेंदों में पांच रन हो चुके हैं अभी भी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मैच को जीतना चाहते हैं इसी के साथ में यहाँ पर सेंट्रल क्वार्टर राउंड द विकेट तैयार है आखिरी बॉल को कट करा आसानी से दोस्तों यहाँ पर डॉट गेंद देखने को मिली और इसी डॉट के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों एक ओवर की समाप्ति पर पांच रन बिना किसी नुकसान पर और पहले ओवर की समाप्ति पर और आपको बता रहे दोस्तों इस वक्त इस वक्त यहाँ पर कैप्टाउन की टीम है दोस्तों यहाँ पर भाव दे रही है तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको भाव को खा लेना चाहिए यहाँ पर को ले लेना, लेना चाहिए मेरे हिसाब से का भाव पैसे पे आ टीम तो मेरे हिसाब से आप दोस्तों लगा पर तो बुलायु की टीम को आप ले सकते हैं बिल्कुल मेरे कहने पर दोस्तों आप ले सकते हैं मैंने तो यहाँ पर बुलायु की टीम को ले लिया है और जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर रेट आएगा वैसे वैसे दोस्तों हम आपके साथ जुड़ेंगे अपडेट करते रहेंगे और बुलायु की टीम के पास दोस्तों आज कुछ ऐसा लग रहा है दोस्तों अंदर से फीलिंग आ रही है कि बुलाई की टीम आसानी से दोस्तों इस मैच को जीत जाएगी थोड़ा सा पहले स्लो खेलेगी उसके बाद तेज गति के साथ दोस्तों इस मैच को यहाँ पर जीतने की कोशिश करेगी तो आपसे जो गुजारिश यही रहेगी दोस्तों जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग जितने भी दोस्तों हमारे सपोर्टर्स हैं और जितने भी यहाँ पर दोस्त हैं भाई लोग हैं आप इंडिया से पाकिस्तान से उसका कोई भी मतलब नहीं मुझे आप मेरी लाइव स्ट्रीम पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको बता दें दोस्तों आप थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करिएगा कम इन्वेस्ट करिएगा कैप्टाउन के ऊपर तो दोस्तों फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि इसके बाद भी यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो उसके बाद भी दोस्तों यहाँ से जो कि दो मैच बचे हैं पहले साढ़े आठ बजे मैच शुरू होगा उसके बाद साढ़े दस बजे मैच शुरू होगा तो आप कोशिश कर सकते हैं दोस्तों कि दोनों मैचों पे आप जो तीनों मैच हैं उनमें आप इन्वेस्ट करिएगा तो आप पैसा बचा कर रखेगा क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पर मैच में और यहाँ पर जिम्मा में पेमेंट ली और इसी के साथ दोस्तों देखेंगे कि क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए अगर मैं बात करता हूँ और इसी के साथ में टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों स्कोर बोर्ड थोड़ा सा अपडेट चलता हुआ और आपको बता दें कि यहाँ पर जो कि देखना होगा कि किस तरह से मैच को आगे के लिए चलते हैं और अभी तक यहाँ पर जो कि विकेट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों वहाँ तो तो पर विकेट हमें नहीं देखने को मिली है कोई भी दोनों जो अगर मैं बात करूँ से कैप्टाउन के दोस्तों वहाँ पर जो कि गेंदबाजों के द्वारा क्योंकि यहाँ पर विकेट निकालना होगा दोस्तों कभी यहाँ पर कैप्टाउन की टीम दोस्तों इस मैच में बाजी मार सकती है अगर मैं बात करता हूँ तो आपको तो तेज़ गति के साथ रन भी बनाने होंगे बुलायू की टीम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर दोनों टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोस्तों यहाँ पर दोनों टीमों में से दोस्तों अगर कोई भी टीम दोस्तों यहाँ से हारती है तो जो उसके लिए प्ले का जो रास्ता है वो थो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो यहाँ पर दोनों टीमें कोशिश यही कर रही होंगी कि दोस्तों यहाँ पर इस जीत के साथ अपनी जो प्ले की जो जगह है उसको पक्का करा जाए अगर जले की पक्के दोस्तों अगर जगह पक्की हो जाएगी प्ले की दोस्तों तो यहाँ पर चिंता की बात नहीं रहेगी और इसी के साथ मैं आपको बता दें कि टीम का स्कोर यहाँ से हो चुका है जो होता अगर हम तीन ओवन दोस्तों यहाँ पर तीन गेंदों में दो रन हो चुके हैं सनर कॉटर ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों गेंदबाजी करते हुए और जो करंट रन रेट पर दोस्तों हम नज़र बना के रखे करंट रन रेट दोस्तों यहाँ पर चार का चलता हुआ और यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों विपरीत यहाँ पर ओपनिंग साझेदारी उतारी है बिल्कुल यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं था कि ब्लायु की टीम दोस्तों इस साझेदारी के साथ इस ओपनिंग यहाँ पर साझेदारी के साथ यहाँ पर उतार सकती है और इसी के साथ दोस्तों चौथी बॉल पे एक बार फिर से हम तैयार हैं कि यार दोस्तों यहाँ पर जो कि गेंद को सामना करेंगे सटोल कॉटरेल और आपको बताते हैं दोस्तों कि जितने तरीके से यहाँ पर जो कि यहाँ पर जो कि अलग अलग परिवर्तन कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर बुलायु की टीम ने ओपनिंग में दोस्तों उन्होंने काफी चेंजेस करे हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर पाँच छह जो छठा मुकाबला खेला जा रहा है दोस्तों बुलायु की टीम का और छठे यहाँ पर छो मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर अलग अलग पार्टनर अलग अलग ओपनिंग दिखी है यहाँ पर कभी दोस्तों बता दें बैंडोम कभी दोस्तों कोई और खिलाड़ी कभी कोई और खिलाड़ी जो एक निर्धारित दोस्तों नहीं रहा है और उसी चक्कर में यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से दोस्तों इस मैच को आगे लेके चलते हैं और सेंडल कॉटरल चार बोलों में दोस्तों चार रन दे चुके हैं और बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करनी है कि इस मैच को जीतना चाहते हैं और देखेंगे कि दोस्तों किस तरह से मैच को आगे लेकर चलते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस मैच को जीतने देखने के लिए और पांच गेंदें हो चुके हैं पांच गेंदों में अभी तक कोई भी रन हमें देखने को नहीं मिला है अभी भी इसी एक गेंद बची है सेंडल कॉटरल तैयार है राउंड द विकेट से आखिरी बॉल लाने के लिए और सेंडल कॉटरल की कल तारीफ करनी होगी दोस्तों सेंडल कॉटरल ने इस तरह से अपर गेंदबाजी करी है दोस्तों बता दें कि दो ओवर में तीन विकेट निकाले मात्र दो रन देकर और बहुत बढ़िया दोस्तों अपर गेंदबाजी करी है बहुत बढ़िया स्पेल करा है और सनरल कॉटरियल के ऊपर दोस्तों भरोसा जताया जा सकता है मगर इंडिया पाकिस्तान से दोस्तों बता दें कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट खबर आ रही है क्या पाकिस्तान की टीम इंडिया दोस्तों आएगी क्या पंद्रह अक्टूबर को दोस्तों मैच खेलने के लिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए और बता दें कि जो मुद्दा उठाया गया है वो दोस्तों मुद्दा ये उठाया गया है कि पाकिस्तान की जो टीम को ऐसा लग रहा है दोस्तों पाकिस्तान की टीम यहाँ पर इंडिया में सेफ नहीं है इसके कारण दोस्तों उन्होंने आईसीसी से रिक्वेस्ट करी है कि मुझे यहाँ पर जो कि जो कि न्यूट्रल वेन्यू की आवश्यकता है मुझे न्यूट्रल वेन्यू चाहिए इंडिया नहीं खेलने जाएंगे हम तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो कि वी आई है इस यहाँ पर रिक्वेस्ट को यह दोस्तों एक्सेप्ट करेगी या फिर मना कर देगी जो भी होगा दोस्तों इस मैच को आप हम आपके साथ बताते रहेंगे मगर कोशिश तो यही है कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान की जो यहाँ पर सरकार है वो यही कह रही है दोस्तों यहाँ जो कि पीसीबी सी बी है जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो ये कह रहा है कि अगर नेचुरल वेन्यू नहीं मिलता है वर्ल्ड कप के लिए तो हम वर्ल्ड कप खेले नहीं जाएंगे दोस्तों यहाँ पर इंडिया तो देखना होगा कि पंद्रह तारीख को दोस्तों पंद्रह अक्टूबर को क्या यहाँ पर हो सकता है दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना देखने को मिल सक काफ़ी अगर ना पाकिस्तान का मैच दोस्तों अगर यहाँ पर वर्ल्ड कप में नहीं देखने को मिला तो काफ़ी लोगों की दोस्तों जो उम्मीदें हैं वो टूर जाएंगी क्योंकि बहुत बेसब्री से लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच का हम भी दोस्तों यहाँ पर जो कि वेट करते हैं मगर एशिया है कप में आपको दे, एक्शन देखने को मिल सकता है मगर एशिया कप दोस्तों वहाँ पर होता रहता है मगर वर्ल्ड कप के दोस्तों यहाँ पर मजा ही कुछ होता है तो वर्ल्ड कप में देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा उसी में यहाँ पर मोहम्मद हफीज की टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस बताओ भाई मोहम्मद हफीज की अगर परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो मोहम्मद हफीज प्रोफेसर ही रह चुके हैं उनके ज्यादा दोस्तों कोई भी बस की बात नहीं रह चुकी है ना ही मोहम्मद हफीज के बल्ले से रन निकल रहे हैं और ना ही दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी उतनी अच्छी कर रहे हैं यहाँ पर आपको वो पिछले मैच की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों पिछले मुकाबला यहाँ पर मोहम्मद हफीज दोस्तों हार चुके थे सुबह का यहाँ पर मात्र एक सौ बाईस रन बनाते थे निर्धारित साठ गेंदों में और दोस्तों बता दें कि अच्छी यहाँ पर साझेदारी होने के बावजूद भी यहाँ पर मोहम्मद हफीज ने दोस्तों अपनी टीम को नहीं जिता पाया है मोहम्मद हफीज की दोस्तों जो टीम है दोस्तों बता दें जो पॉइंट जोरावर वो सबसे दोस्तों नीचे है सबसे नीचे मात्र ये दो जीत के साथ मेरे सबसे दोस्तों जो जीत के साथ यहाँ पर जो तो कि सबसे नीचे पायदान पर है मगर आपको बता रहे दोस्तों और इसी के साथ में मुजीबुर रहमान दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पर जो कि हल्की स्पिन गेंदबाजी करते हुए लाते हुए तीसरी बॉल लेकर तैयार है मुजीर रहमान और अपने यहाँ पर फ्लाइटेड गेंद करी किया ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्गॉन की तरफ खेला आसानी से एक रन देखने को मिला और इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा आठ पर बिना किसी नुकसान पर मुजीबर रहमान तीन बालों में तीन रन दे चुके हैं और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर मुजीबुर रहमान ने अभी तक यहाँ पर जो कि बुलायों के जो बल्लेबाज हैं उनको बिल्कुल बांधे हुआ रखा है और इसी के तरह में यहाँ पर रियान बोरी के पास स्ट्राइक आ चुके हैं मुजीबर रहमान देखेंगे कि किस तरह से बल्लेबाजी को अंजाम दिया जा सकता है और यहाँ पर भरोसा जताना होगा दोस्तों रियान बोरी को अपने ऊपर इसी क्षण में रियान बोरी दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार है यहाँ पर पटकी हुई गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला है गेंद जा रही है लेग की तरफ और बेहतरीन छक्का गगन चुम्बी छक्का देखने को मिला है रियान बोरी के बल्ले से और इसी के साथ आपको बता दें कि पर दूसरे ओवर में पहला छक्का आता हुआ दोस्तों यहाँ से बुलाईव की टीम के लिए और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये हम कह सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर छक्का है क्योंकि पहले ओवर में दोस्तों हमें पांच रन पर सेंडल कॉटल ने पांच रन दिए थे एक बड़ा ओवर यहाँ पर ये चाहिए था और उसी के साथ में देखेंगे दोस्तों मैच को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं अगली बॉल लेकर तैयार है मुजीबुर रहमान एक बार फिर से दोस्तों रियान भूरी अपनी पांचवी बॉल खेलने के लिए तैयार है और देखेंगे मुजीबुर रहमान चार बोल में दोस्तों नौ रन दे चुके हैं और यहाँ पर देखिए रियन भूरी तैयार है अगली बॉल खेलने के लिए दोस्तों और रियान बुरी ने यहाँ पर अगली बॉल करी दोस्तों आसानी से एक रन और देखने को मिला ऐसी एक रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से पंद्रह पर पांच क्योंकि पंद्रह रन बिना किसी नुकसान पर अभी भी दोस्तों यहाँ से एक गेंद बची है और यहाँ पर मुजीबुर रहमान दस रन दे चुके हैं और देखें कि यहाँ पर आखिरी बॉल को किस तरह तो से खेले जाके वहाँ तो पर देखिए तैयार है यहाँ पर पटकी हुई गेंद दोस्तों गेंद को कट करा गया रिक्वायर द्वारा और आपको बता दें डॉट गेंद देखने को मिले इसी डॉट के चलते बता दें आपको टीम का स्कोर हो चुका है दो ओवर की समाप्ति पर पंद्रह रन मुजीब और रहमान पहले पहले ओवर में दस रन हमें देखने को मिले और इसी तरह दस रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पंद्रह पर दो विकेट के नुकसान पर आपको बता दें कि दो ओवर किस समाप्ति पर विकेट अभी नहीं गिरा है देखेंगे कि पहला विकेट दोस्तों बिलायो टीम का कौन सा गेंदबाज निकलता है देखेंगे कि अगला ओवर किसके रूप में देखने को मिल सकता है और कह सकते हैं दोस्तों कि हाथ से मैच यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों कठिन हो जाएगा वालायु की टीम के लिए अगर वहां पर सही तरीके से दोस्तों जो पर पावर प्ले का अगर आप फायदा नहीं उठा पाएंगे तो लगातार दोस्तों आपके ऊपर दबाव बनता रहेगा और करंट रन रेट पर दोस्तों आप नज़र बना के रखेगा कि करंट रन रेट दोस्तों यहाँ से हो चुका है सात दशमलव पांच जीरो का तो आपको तेज गति के साथ दोस्तों रन बनाने होंगे क्योंकि समय लेने का समय नहीं है क्योंकि मात्र साठ साठ गने हो चुके हैं और आपको बता दें कि यहाँ से यहाँ से दोस्तों बता दें कि यहाँ से अड़तालीस गेने बची हैं तो शेष अड़तालीस रन बनाएंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं और आपको बता दें कि दोस्तों अगला ओवर हमें देखने को मिल सकता है सनरल कॉटरेल यहाँ पर लेकर आते हुए अगले ओवर एक बार फिर से तो दोस्तों सनरल कॉटरेल अपना आखिरी ओवर लेकर तैयार है और भाई एशिया कप की वजह से वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं आएगा यहाँ पर मोहम्मद भाई ऐसा लग रहा है भाई बिल्कुल यहाँ पर एशिया कप की वजह से ही यहाँ पर देखिए वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं आएगा थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद भाई तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में थोड़ी सी जो यहाँ पर इशू लग रहा है सिक्योरिटी का मगर आपको बताइए आप खुद बताइए कि क्या इंडिया में दोस्तों कभी भी आपको ऐसे यहाँ पर हरकत देखने को मिली है पाकिस्तान टीम से दोस्तों कोई भी ऐसी टीम देखने को मिली है कि यहाँ पर जो कि भारत को सिक्योरिटी यहाँ पर भारत को यहाँ पर सिक्योरिटी ना हुई है बता दें कि आपको पाकिस्तान को आना चाहिए जिस तरह से अगर मैं बात करूँ मगर देखा जाएगा कि मेरे हिसाब से तो दोस्तों यहाँ पर जो कि अगर खेल भावना से देखे जाए तो दोस्तों तो इंडिया को भी यहाँ पर पाकिस्तान जाना चाहिए अगर वहाँ पर पाकिस्तान अगर इंडिया जाता है दोस्तों और यहाँ पर जैसे शोयब अख्तर ने भी कहा था यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करूँ शोयब अख्तर ने भी दोस्तों यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था अगर पाकि अगर पाकिस्तान इंडिया आती है अगर इंडिया पाकिस्तान जाता है दोस्तों तो सराखों पर बैठाया जाएगा यहाँ पर ऐसा है यहाँ पर जो कि सोय अख्तर ने कहा था कि आप एक बार इंडिया की टीम को दोस्तों पाकिस्तान भेजिए तो मगर उसके बाद यहाँ को जो जय शाह हैं यहाँ पर जो कि बी के यहाँ पर जो कि चीफ सिलेक्टर उन्होंने कहा इन्होंने साफ तरीके से मना कर दिया है कि जो कि इंडिया टीम है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी और आपको बता दें दोस्तों खेल भावना से देखा जाए आपको दोस्तों तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इंडिया टीम को दोस्तों पाकिस्तान जाना चाहिए था और एशिया कप के लिए जहां भी दोस्तों बाकी जहां भी दोस्तों एशिया कप होस्ट होता है वो दोस्तों बिल्कुल आपको उसी तरीके से जाना चाहिए मगर देखा जाएगा किस तरह से मैच को आगे बढ़ाते हैं और अभी भी दोस्तों जो भी निर्णय ले गए बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो आपको साथ दिखाई दिया जाएगा इसी क्षण में सनल कॉटल की तीसरी बॉल दोस्तों क्या बेहतरीन छक्का लगाया गया है रियान बोरी की वजह से और रियान बोरी दोस्तों एक तरफा ही है बिल्कुल तलवार की तरह है, इस शॉट को खेला है और बिल्कुल कॉली वाला शॉट कह सकते हैं इसी कॉली वाले शॉट के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा पच्चीस नुकसान पर सर कॉटर पंद्रह रन दे चुके हैं तीन गेंदों में और अभी भी तीन गेंदें शेष बची हैं और तीन गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं इसी स्थान में चौथी बॉल लेकर तैयार है आखिर चौथी बॉल लेकर तैयार है यहाँ पर टनल कॉटर राउंड द विकेट से तैयार है दोस्तों लेने के लिए गेंद लाने के लिए और आपको बता देंगे और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दें कि विकेट यहाँ पर देखने को मिला है अगर पाकिस्तान जो जो कि मोहम्मद जोब ने लिखा है दोस्तों भाई यहाँ पर अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं आएगा तो वर्ल्ड कप कैसे कम का, का, नहीं क्या लिखा बी सी आई का ग्रेट लॉस होगा क्या लिखा है भाई आपको जब मैं सही से पढ़ लूँगा अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं आया तो वर्ल्ड कप कैसे कैसे कम का नहीं रहेगा बिल्कुल भाई बिल्कुल काम का नहीं रहेगा वर् जो वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान ही नहीं आता है ऐसे में दोस्तों आईसीसी को वहाँ पर ग्रेट लॉस होगा यहाँ पर लॉस तो होगा यहाँ पर बता दें आपको महमूद भाई यहाँ पर जो कि घाटा तो यहाँ पर बहुत होगा क्योंकि बता दें कि सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर जो कि लड़ाई होती है वो इंडिया पाकिस्तान की होती है और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर इंडिया का सारा सारा दोस्तों पूरा जो दोस्तो दो इंडिया की कंट्री है दोस्तों जिसको यहाँ पर मैच समझ में आता है वो तो देखता ही देखता है जिसको नहीं आता दोस्तों वो भी देखता है अपनी टीम इंडिया को दोस्तों सपोर्ट करते हैं आप और दोस्तों हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप अपनी टीम मुल्क को सपोर्ट करते हैं हम इंडिया से हैं दोस्तों अपने मुल्क सपोर्ट करते हैं मगर मेरे हिसाब से दोस्तों पाकिस्तान को जाना चाहिए टीम इंडिया को खेल भावना को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए और सिक्स में यहाँ पर जो कि नुकसान बहुत होगा अगर यहाँ पर पाकिस्तान की टीम दोस्तों इंडिया नहीं आती है और यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों मगर मेरे हिसाब से यहाँ पर पाकिस्तान को टीम को आना चाहिए क्योंकि तो बता दें कि, कि यहाँ पर जो कि यहाँ पर एशिया कप का जो शेड्यूल है दोस्तों वो आ चुका है और वर्ल्ड कप का भी यहाँ पर शेड्यूल आ चुका है मेरे हिसाब से दोस्तों जिस शेड्यूल के हिसाब से पाकिस्तान के यहाँ पर मैच पड़े हैं तो दोस्तों पाकिस्तान को आना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान पहले आ चुका है और इंडिया 2008 के बाद यहाँ पर पाकिस्तान नहीं गई थी आखिरी बार यहाँ पर पाकिस्तान गई थी एशिया कप में हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आना चाहिए यहाँ पर पाकिस्तान को, टीम को आना चाहिए। भारत का माहौल देखना चाहिए कि किस माहौल, भारत का माहौल होता है अब पर अपने मैच पर आते हैं। और कप्तान सिकंदर रजा दोस्तों चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए इसी के साथ तीन ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है एक एक सत्ताईस रन ने एक विकेट के नुकसान पर तीन ओवर की समाप्ति शेष बयालीस गेंद बची है इस बयालीस गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं अगर यहाँ पर सिकंदर रजा निर्धारित जो कि यहाँ से बयालीस गेंदों तक यहाँ पर अड़े रहते हैं तो कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर तेज गति के साथ दोस्तों हम रन में उनके बल्ले से देखने को मिल सकते हैं मगर देखना होगा कि जो सिकंदर रजा हैं दोस्तों वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं और अपने ऊपर भरोसा जताना होगा सिकंदर रजा को कप्तान है दोस्तों वो जानते हैं कि ये मैच कि उनकी टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है करो ये मरु की स्थिति में अगर ये मैच यहाँ पर बुलायु की टीम हारती है तो दोस्तों कह सकते हैं कि लगभग यहाँ पर जो तलवार है दोस्तों यहाँ पर क्वालिफाई के ऊपर यहाँ पर लटकती रहेगी और और अगर वहीं अगर कैप्टाउन की अगर मैं बात करता हूं तो कैप्टाउन की टीम के ऊपर भी दोस्तों यहां से मैच यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकते हैं मगर आपको बताऊं तो यहां से तीन ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर सत्ताईस हो चुका है जो तो दोनों टीमों के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है अगर दोस्तों दोनों टीमों में से कोई भी टीम भी इस मैच को हारती है तो कह सकते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में दोस्त जिस, जिस जिसके यहाँ पर मैच होने वाले हैं दोस्तों वो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से मैच होंगे और यहाँ पर क्वालिफाई जितनी जितनी जल्दी टीम कर लेगी उतनी जल्दी कर सकते हैं और इसी के साथ मैं आपको बता दें यहाँ पर आखिरी बॉल आखिरी बॉल दोस्तों बता दें कि अगला ओवर पर पीटर हैड्स गोलू लेकर तैयार हैं अगर वहां पर जो के के लाने लिए पीटर तेज गति गेंदबाज हैं और मैंने जैसे बताया था, 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 था दोस्तों इस इस मैच में उनको यहाँ पर मदद मिल सकती है पीटर हैड्स गोलू को क्योंकि बता दें कि पीटर हैड्स गोलू लंबे कद के हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हैं और आपको शायद मेरी बात सुनी होगी तो आपने ड्रीम इलेवन में उनको जरूर लिया होगा पीटर पीटर को जिस तरह से मैंने आपको प्ले ड्रीम अलेवन बन टीम बनाकर दी थी और इसी के तरह मैं आप सैंडल कॉटन ने निर्धारित दो ओवरों में दोस्तों पंद्रह रन देकर एक विकेट निकाला है और आपको बता दें दोस्तों सैंडल कॉटन का इस मैच में दोस्तों आप ओवर करते हुए नहीं, नहीं दिखेंगे क्योंकि टी, टी टी एंड में यहाँ पर नियम होता है कि यहाँ पर एक गेंदबाज दो ही ओवर कर सकता है चाहे आप दस ओवर दोस्तों अलग दस दस यहाँ पर बल्लेबाजों से कराइए और इसी में अगर मैं बात करता हूँ पीटर हैड्स गुलू आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर किया के सामने और पीटर देखेंगे किस तरह से गेंदबाजी करते हैं दोस्तों पीटर है, अगर किया के है पिछले मैच की अगर मैं बात करता हूँ पीटर राउंड है विकेट से तैयार है यहाँ पर अगली बॉल लाने के लिए किया ने कदमों का इस्तेमाल करा पटकी हुई गेंद बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं गेंद विकेट कीपर के पास और आपको बता दें दोस्तों ये डॉट गेंद डॉट के कहते हैं यहाँ पर क्योंकि पहली बॉल दोस्तों डॉट हो जाएगी और डॉट का बहुत दबाव देखने को मिलेगा सिकंदर रजा और दोस्तों किया के ऊपर क्योंकि आपको बता दें कि लगातार दोस्तों डॉट गेंद जैसे जैसे डॉट गेंद होते जाएंगे और तेज गति के साथ रन नहीं बनते दिखेंगे वैसे ही दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ से और भी दबाव बन सकता है और इसी के साथ में यहाँ पर टीम का स्कोर सत्ताईस हो चुका है पीटर हैड्सगुलू तैयार है अपनी गेंदबाजी लाते हुए इसी के साथ में दूसरी बॉल लेकर तैयार है एक बार फिर से राउंड द विकेट से सामना करेंगे एक बार फिर से किया और इस बार दोस्तों किया ने गेंद को कट करा है दोस्तों गेंद जारी है पॉइंट की दिशा में जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेगा तब तक दो रन आसानी से चुरा लिए और इसी दो रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से से टीम हो जाएगा दोस्तों रन विकेट के नुकसान पर और आपको बता दें कि हाँ से और आपको बता दें दोस्तों इसी महबूब जो हमने लिखा है दोस्तों भाई पाकिस्तान पीपल इंडियन से मोहब्बत करते हैं भाई हम लोग भी यहाँ पर मोहब्बत करते हैं ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग दोस्तों इंडिया आइए हम लोग पाकिस्तान आते हैं दोस्तों मगर यहाँ पर थोड़ी सी जो दिक्कत है दोस्तों वो तो दिक्कत होती है यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर क्योंकि यहाँ पर कह नहीं सकते दोस्तों कि क्या कब हो सकता है कि और हम ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों कि हम आपकी आपके साथ गलत चाहते हैं और हम भी पाकिस्तान चाहते हैं दोस्तों अगर यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता तो दोस्तों एशिया कप में अगर होता तो हम लोग भी दोस्तों बता दें कि यहाँ से बता दें कि हंड्रेड परसेंट मतलब दोस्तों अगर कह सकते तो चालीस परसेंट की आबादी पाकिस्तान पहुंच जाती इंडिया इंडिया को सपोर्ट करने के लिए तो हम भी दोस्तों पाकिस्तान के लोगों को प्यार करते हैं दोस्तों पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उनको प्यार करते हैं बाबर आजम के दोस्तों बहुत ही तारीफ करते हैं मोहम्मद रिजवान की तारीफ करते हैं यहाँ पर जो के सादाब है दोस्तों मोहम्मद नवाज हैं और सबसे ज़्यादा दोस्तों प्यार करते हैं हम यहाँ पर जो अगर कर बात करें दोस्तों तो हम बाबर आजम की बाबर आजम दोस्तों विराट कोहली है दूसरा विराट कोहली है वहाँ पर अगर कर हम बात करता हूं दोस्तों और इसी के में यहां पर बता दें कि पीटर हेड्स बोलू ने तीन गेंदें करी हैं तो तीन गेंदों में यहां पर 30 रन वो भी एक विकेट के नुकसान पर दिया है इसी के साथ में चौथी बॉल लेकर तैयार है सामना करा जाएगा दोस्तों सिकंदर रजा के द्वारा सिकंदर रजा ने गेंद को कदम कष्ट बल करा गेंद सीधे बल के साथ खेला और आसानी से दो रन हमें देखने को मिले इसी दो रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा बत्तीस रन और विनय करते हैं यही विकेट के नुकसान पर और आपको तेज गति के साथ रन बनाने में अगर इस मैच को जीतना है अगर तो बुलाई की टीम को और यहाँ पर बल्ला चलना बहुत जरूरी है अगर बल्ला चलता है तभी दोस्तों मैच बनेगा और आपको बता दें कि यहाँ पर पीटर हैड्स गुल चार बोलों में दोस्तों चार रन दे चुके हैं अभी विशेष यहाँ से दो गेंदें बची हैं और आपको बता दें जिन्होंने भी दोस्तों यहाँ पर कैप्टाउन के ऊपर पैसा लगाया है दोस्तों आपको बता दें कि अपना पैसा निकाल लो क्योंकि बुलायु की टीम दोस्तों यहाँ पर हल्का जरूर धीमा जरूर खेलिए मगर एक, एक एक ऐसा समय आ सकता है कि जो बुलायू की टीम है दोस्तों वो रफ्तार पकड़ सकती है चेन्नई एक्सप्रेस की तरह और आपको बता दें दोस्तों अपना पैसा है वो निकाल लीजिए और आपको बता दें कि अभी भी दोस्तों ऐसे टीम है जो यहाँ पर दो के साठ पैसे पैर और आप बुलायू टीम को यहाँ पर अगर मैं बात करू दोस्तों तो कैप्टान टीम को आप पर खा सकते हैं तो आप मेरी मेरी बात सुनिए दोस्तों तो आप जो की बुलाईव टीम को सपोर्ट करिए मेरे हिसाब से दोस्तों बुलाईव टीम ही यहाँ पर जो की इस मैच को जीतेगी और इसी के साथ में यहाँ पर जो की आखिरी बॉल लेकर तैयार तो है दोस्तों पीटर हेड्स गोलो यहाँ पर पीटर हैड्सगो ने किया कि यहाँ पर कदम यहाँ पर गेंद को डाला है कैच की अपील करी गई दोस्तों मगर थर्ड अंपायर के द्वारा दोस्तों यहाँ पर चेक करा जाएगा क्या यहाँ पर कैच है या नहीं है और मेरे हिसाब से तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जमीन पर गेंद लग गई उसके बाद यहाँ पर जो कि जो कि फिल्टर के पास पहुंची है मगर कप्तान का जो निर्णय जो कि देखेंगे तो अंपायर अंपायर का जो निर्णय रहता है उसी के साथ सहमत रहना होगा और चार ओवर में दोस्तों तैतीस रन विकेट के नुकसान पर मगर यहाँ पर पीटर हैड्स गोल हुए हैं वो अंपायर से बातचीत करते हुए दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड अंपायर के पास यहाँ पर जाना जरूर होगा और यहाँ पर थर्ड अंपायर के पास दोस्तों निर्णय भेजा गया भेजा जरूर गया है और देखा जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर कैच होता है या नहीं होता है पीटर हैड्स गलू का अपने पहले ओवर में विकेट निकाल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे और आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर भाई यहाँ पर मोहम्मद जवाहर ने लिखा है दोस्तों भाई मेरा फेवरेट प्लेयर है शादा खान है और हार्दिक पांडे हार्दिश पांड्या है और मैम कहता दोस्तों इनका कंपिटिशन करना और इनका कम्पटिशन करना दोस्तों बता दें हार्दिक पांड्या बता दें क्या कुम्फू पांड्या उनको बुलाते हैं दोस्तों हम उनको बता दें कि उनका निक नेम दोस्तों हार्दिक पांड्या है मगर हम लोग उनको प्यार से यहाँ पर कुम्फू पांड्या बुलाते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि दोस्तों की कि किस तरह से हम मैच को आगे बढ़ाता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों की आप पाकिस्तान से लगातार हमारे साथ इस मैच का हमारी जो आवाज़ है दोस्तों वो हम देख रहे हैं एक इंडियन की आवाज़ सुन रहे हैं दोस्तों एक इंडियन का चलन देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और देखेंगे की किस तरह से मैच को आगे बढ़ाया जाता है और इसी के साथ बता दें कि कैच चेक करी जा रही है और चार ओवर में चार ओवर में तैतीस रन ने विकेट के नुकसान पर पीटर हैड्स बोलू पहले ओवर में पांच रन दे चुके हैं अगर पीटर हेरसगोलू ने यहाँ पर जो कि गेंद थोड़ी सी स्विंग करी थी अंदर स्विंग के लिए लेकर आए थे और वल्ले का अंदुरी के रन लगा गेंद गई गे दोस्तों पॉइंट की दिशा में और हमें देखने को मिला है दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन एफर्ट करा था, गया था दोस्तों पॉइंट के खिलाड़ी के द्वारा मगर यहाँ पर पॉइंट का खिलाड़ी दोस्तों लगता है दोस्तों की वो पहुंच नहीं पाया है और जब तक मैं बात करूँ इसी के साथ में यहाँ पर नॉट आउट आ चुका है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों एंगल से देखने के कि यहाँ पर कैच को सही तरीके से पकड़ा गया है और इसी के साथ में चार ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है इस पर एक विकेट के नुकसान पर पीटर हैड्स गोलो तैयार है अपने पहले ही ओवर में पाँच रन दिए और पीटर हैड्स गोलो ने क्या बेहतरीन तरीके से अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पहले ओवर में किफ़ायती रन दिए और इसी के साथ में लास्ट के छत्तीस गेनों शेष बची है और लास्ट के छत्तीस गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं सिकंदर रजा तीन बॉल में तीन रन बनाकर खेल रहे हैं और सिक्स सन में किया कि अगर मैं बात करता हूँ तो किया दोस्तों तो थोड़ी सी धीमी गति के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं धीमी गति के साथ दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे हैं और देखा जाएगा कितना और कितने कि रन बनाए जा सकते हैं और इस सन में देखेंगे कि यहाँ पर मैच को कितने और किया लेके जाते हैं और सिक्स सन में यहाँ पर देखिए अगला ओवर लेकर आते आते हुए हमें मेरे सामने हैं वो है मुजीबुर रहमान मुजीबुर रहमान दोस्तों राउंड विकेट से तैयार है यहाँ पर एट करी मुजीबुर रहमान ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सिकंदर रजा ने खेला है क्या बेहतरीन सीधा शॉट इसी सीधे शॉट के साथ यहाँ पर गेंद है लॉगोन की तरफ और दोस्तों यहाँ पर लंगाउन के खिलाड़ी ने दोस्तों यहाँ पर उछाल लगाई मगर यहाँ पर जो कि पहुंच नहीं पाएंगे गेंद की तरफ इसी के यहाँ पर एक और छक्का देखने को मिला है और इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार लगातार दो बेहतरीन छक्के मैंने आपको बताया था कि बुलाई की टीम दोस्तों वापसी कर सकती है और क्या बेहतरीन तरीके से तो दोस्तों वापसी करते हुए पांच गोल में तीन का स्कोर हो चुका है पंद्रह पत्ती यहाँ पर स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और सिकंदर रजा ने यहाँ पर दो दो छक्के लगाए हैं और रहमान क्या बेहतरीन तरीके से खेलते हुए और इसी छक्के के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर हो जाएगा पैतालीस पैंतालीस रन पैंतालीस रन हो जाएगा टीम का स्कोर और आपको बता दें क्या बेहतरीन तरीके से, से। आपकी वॉइस ओ स्वीट है भाई अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप यार मोहम्मद भाई मैं मेरी आवाज स्वीट अरे यार क्यों यार मजा कर रहे हो भाई यार आपका चलो ठीक है कोई बात नहीं मैच पर आते हैं आप ऐसे ही बोलते रहते हैं और इसी के में तीसरी बॉल लेकर तैयार हैं और यहाँ पर तीसरी बॉल देखेंगे मुजीबर रहमान तीसरी बॉल लेकर तैयार है सिकंदर रजा दोस्तों कदमों का इस्तेमाल कर रहा चौके के लिए और इसी चौके के साथ तीन गेंदों में सोलह रन आ चुके हैं और टीम का स्कोर हो चुका है उनचास रन विकेट के नुकसान पर अब देखेंगे दोस्तों किस तरह से मैच को आगे लेकर जाया जाता है और बता दें यहाँ पर तीन बॉलों में दोस्तों आ चुके हैं तीन रन तीन रन आ चुके हैं सिकंदर रजा दोस्तों छह बॉलों में उन्नीस रन बनाकर खेल रहे हैं और आपको बता दें दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करते हुए सिकंदर रजा अगर अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद जायफ की दोस्तों तो मोहम्मद जायेफ भाई आप बहुत आप आपकी दोस्तों बहुत स्वीट हैं आपने दोस्तों हमारे साथ इतने लंबे समय से दोस्तों आप बिल्कुल हमारी आवाज़ है उसको फॉलो कर रहे हैं उसको सुन रहे हैं और पाकिस्तान सबसे बड़ी बात है आप पाकिस्तान से देख रहे हैं और इसी के साथ मैं अगली बार लेकर तैयार तो है मुजीबुर मुजीबुररहन फ्लैटेड गन करी और यहाँ पर बहुत बड़ी मछली फंसा ली गई आपको बता दें यहाँ पर बहुत बड़ी मछली फसाई गई है सिकंदर रजा यहाँ पर मुझी वो रहमान ने पर तीन गेने करी थी दोस्तों वो ऑफ स्पिन करी थी और या दोस्तों यहाँ पर जो की तीन गेने करी थी पहले तीन गेंदों में यहाँ तो पर मुझे जो की सिकंदर रजा को यहाँ पर जो कि फंसाया गया था और यहाँ पर बेहतरीन दोस्तों फ्लाइटेड गेंद करी थी तीनों गेंदों पर रन आए और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर चौथी जो गेंद करी उसको दोस्तों यहाँ पर जो की यहाँ पर लेग स्पिन कर दी और जिसके कारण बल्ला दोस्तों हाथ से घुमा यहाँ पर और, और सही तरीके से बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं देखने को मिला और गेंद गई गें, लॉन्गोन की तरफ लोंगौन का खिलाड़ी दोस्तों यहाँ पर कैच को पकड़ेगा और इसी के साथ यहाँ पर दूसरा विकेट गिरता हुआ हमें देखने को मिला है दोस्तों यहाँ पर सिकंदर रजा के बल्ले से सिकंदर रजा जाएंगे सात बोलों में उन्नीस रन बनाकर और इसी के साथ मैं में बता दें आप लोगों को कि वैन डोमट आ चुके हैं दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए वैन डोमट की अगर मैं बात करता हूँ तो वैन डोमट वैसे ओपनिंग करते हैं मगर देखने को मिला है और चौथे नंबर को यहाँ पर मौका मिला है दोस्तों यहाँ पर बैंडोमट मगर देखेंगे कि बैंडोमट यहाँ पर चौथे नंबर पर दोस्तों जो रंग आते हैं या ओपनिंग में ही दोस्तों उनका बल्ला खासकर चलता है यहाँ पर बैंड डोमट के ऊपर यहाँ दोस्तों बता दें कि यहाँ से कह सकते हैं बैंड डोमट के ऊपर कि भरोसा जताना होगा अपने ऊपर देखा जाएगा किस तरह से करते हैं इसी के साथ में यहाँ पर उनचास पे गिरा दो विकेट का नुकसान पार और देखेंगे कि दोस्तों अब मोहम्मद जमान आप भाई मे आप मेरा कमेंट्स तंग तो नहीं हो रहे हैं अरे भाई बिल्कुल नहीं आपके तंग से यार आप कैसी बात कर रहे हैं कि हम बिल्कुल नहीं आप मेरा काम ही यही आप कमेंट करिए दोस्तों मैं उसका जवाब देते हैं आप लोगों से बात करता हूँ उसी के साथ में हम आपको आप मैच भी करते हैं तो दोनों काम होता है दोस्तों मेरे को भी अच्छा लगता है आपको भी अच्छा लगता है कि आपकी आवाज आप, आपक, आपका कमेंट कोई पड़ता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मैं आप लोगों से बात करता हूँ दोस्तों और मैच के साथ जुड़ा रहता हूँ और ऐसा बोर थोड़ा सा लगने लगता है भाई लोगों मैं आपको बताऊँ ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बोर पर अगर मैच बोर होता है तो बोर होने लगता हूँ मैं भी मगर आप आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ आप ऐसे ही दोस्तों आपको हर मैच में आप हमारे साथ जुड़ेगा और आपको बता दें कि हम कर पैसे की अगर बात आती है तो आपको बता दें कि मैं आपको मोटा पैसा छपवा सकता हूँ अगर आप चाहें मोहम्मद ममाई भाई कोई भी आप जितने भी भाई आपका चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग हमसे बात करिएगा कमेंट करिएगा तो आपको मोटा पैसा छापने के लिए दे सकते हैं वैसे भी वहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी जो दिक्कत है वो देखने को मिलेगी मगर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके आप अच्छा पैसा छाप सकते हैं वो भी यहाँ पर अगर जा सकते हैं और इसी में पांच ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है पर दो विकेट के नुकसान पर जब से दोस्तों का दोस्तों विकेट गिरा है, विकेट है विकेट बाद पर पर जो कि थोड़ी सी रन रन में दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिली है और करंट हमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो करंट रर्नेट यहाँ से नौ दशमलव आठ जीरो का चलता हुआ और पांच ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो जाएगा उनचास पर दो विकेट के नुकसान पर किया बारह बोलों में दोस्तों आठ रन बनाकर खेल रहे हैं और वहीं बैन डॉमर्ट दो बॉलों में दोस्तों अभी तक खाता नहीं खोल पाए और इसी के साथ में अगर मैं बात करूं तो आ चुके हैं दोस्तों कलीम जन्नत एक अफगानी खिलाड़ी दोस्तों आ चुके हैं अफगानी खिलाड़ी दोस्तों बेहतरीन जैसे मैं आपको बताऊँ कि अभी यहाँ पर अफगानिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज चल रही थी पर वनडे सीरीज उसके बाद टी ट्वेंटी तो कलीम सन्न ने बता दें आप लोगों को बहुत अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी करी थी कलीम जन्नत ने और बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी मगर जैसे ही उनका सिलेक्शन दोस्तों जिम्बाब्वे प्रीमियर लीग में आए वैसे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि उनका जो रंग है वो फीका हो चुका है और यहाँ पर जो ज्यादा दोस्तों में अच्छे लेव में नहीं देखने को मिल रहे हैं क्योंकि तो कलीम जन्नत की अगर मैं बात करता हूँ और इसी के स्थान में पहली बॉल दोस्तों यहाँ पर अगली थोड़ी सी फ्लाइटर हमने देखने को मिली कट करा मगर गैप में नहीं भेज पाया दोस्तों इसी स्थान में किया और पहली बॉल डॉट हो चुकी है इसी डॉट के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा उनचास पर दो विकेट के नुकसान पर लगातार दो सौ तीन गेने डॉट हो चुके हैं पिछले दो दो ओवर यहाँ पर दो पिछले दो गेंदे और इस ओवर की पहली बॉल इसी के स्थान में अगली बॉल लाने के लिए तैयार है कलीम जन्नत ने राउंड द विकेट आया हल्के हाथों से गेंद को खेला गया है और उसी के में पहले रन के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर हो जाएगा पचास फोट बिना किसी नुकसान पर और आपको बता दें कि भाई आसिफ अली का टूर्नामेंट किस कैसा जा रहा है आपको बता दें महमूद भाई आपको पूरा हिसाब किताब है कि पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं वो किस तरह से खेल रहे हैं और आपको बता दें दोस्तों वहाँ पर आसिफ अली ने यहाँ पर जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें बता दें कि मैं वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में डेली यहाँ पर छः सौ पर छः छक्के मारता हूँ अगर आपको नहीं याद है दोस्तों जो है आप भाई तो मैं आपको ये बुक के लिए भेज सकता हूँ टेलीग्राम पर या फिर यहाँ पर दोस्तों बता दें कि फेसबुक पर यहाँ पर चैट पर यहाँ पर मैसेंजर पर वो आपके साथ भेज सकता हूँ यहाँ पर जो कि यहाँ पर जो कि स आसिफ़ फली ने कहा था कि मैं यहाँ पर जो कि प्रैक्टिस सेक्शन में छः सौ छः वहाँ पर छः सौ छक्के मारता हूँ डेली और दोस्तों उन्होंने वो सही कहा था वो दोस्तों वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका दोस्तों बता दें कि यहाँ पर उनका जो कि बहुत यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अहदा है अगर दोस्तों वो ना अगर खेल खेलें तो कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर उनकी टीम दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर मैच में नहीं आए और यहाँ पर बता दें कि बहुत यहाँ पर बहुत यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और इसी के साथ में देखेंगे दोस्तों किस तरह तो से होता जाएगा और बता दें कि इसके बाद यहाँ पर जो कि साढ़े दस बजे आपको बता दें कि भाई दस साढ़े दस बजे यहाँ पर मैच हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर कैप्टाउन बजे दोस्तों आप जोरावर के दोस्तों बता दें कि जोरावर का एक और मैच यहाँ पर मोहम्मद हफ़ीज़ लेकर आएंगे दोस्तों यहाँ पर जो कि मोहम्मद हफीज़ की टीम आने वाली है यहाँ पर साढ़े बजे और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर साढ़े दस बजे कौन सा यहाँ पर मैच जीतेगा दोस्तों जोराबर की टीम के लिए अगर जोराबर टीम की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो जोराबर दो की टीम बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट टेबल में नीचे है और आसिफ अली का टूर्नामेंट यहाँ पर बहुत अच्छा जा रहा है दोस्तों काफ़ी लंबे लंबे छक्के भी लगा रहे हैं और बताने के कि वो उनकी टीम में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जगह है अगर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अगर मैं आप बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ पर छः गेंदों में साथ यहाँ पर पंद्रह या सोलह रन चाहिए थे यहाँ पर परसों का ही मैच है यहाँ पर परसों या नरसों का दोस्तों मैच है यहाँ पर छः बोलों में पंद्रह या पर चौदह रन चाहिए थे आसिफ अली ने दोस्तों यहाँ पर वो पांच गेंदों में दोस्तों यहाँ पर छः पाँच रन पूरे कर दिए थे टारगेट को पूरा कर दिया था और बहुत बढ़िया दोस्तों उन्होंने कहा ऐसा लग रहा था आसिफ अली अकेले ही दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर हार के मुंह से दोस्तों निकाल के ले गए थे अपनी टीम को और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि एक बार फिर से दोस्तों मैच पर आते हैं टीम का स्कोर हो चुका है उनसठ पर दो विकेट के नुकसान पर क्लीन जनत पांच बोलो में दोस्तों दस रन बनाते हुए और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर किया ने एक और रन में देखने को मिला है इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा साठ पर छह ओवर की समाप्ति पर लास्ट की लास्ट के दोस्तों बता दें कि लास्ट की चौबीस बोले बची हैं और लास्ट के चौबीस बोलों में देखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं और कोशिश यही करनी होगी दोस्तों की तेज गति के साथ यहाँ पर रन बनाए और उसके बाद हमें देखने को मिल सकते हैं कि क्या यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पर जो कि जो के कप्तान है वो टॉम करन के ऊपर देखते हुए अब देखेंगे कि टॉम करन देखेंगे ऐसा लग रहा है कि टॉम करन अपना दूसरा ओवर लेने के लिए तैयार है ओवर कप्तान है दोस्तों टॉम करन तो आप ऐसा लग रहा है कि सातवां ओवर टॉम करन के द्वारा ही करा जाएगा टॉम करन दोस्तों सैम करन के छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं और देखेंगे कि टॉम करन किस तरह से आप पर गेंदबाजी करते हुए देखेंगे कि मगर टॉम करन की अगर मैं बात करता हूँ जिनबा में प्रीमियर लीग में अभी तक उनका सफर है बहुत ही सुहाना रहा है काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने अगर विकेट लिए हैं रन भी बनाए हैं टॉम करन ने और इसी रन में छह ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है साठ पर दो विकेट के नुकसान पर कलीम चंद्र ने पहले ओवर में दिए ग्यारह रन और आपको बता दें पर टॉम करण तैयार है राउंड द विकेट से दोस्तों पटकी हुई गेंद गेन पर क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेलने की कोशिश तो करी गई थी दोस्तों बल्ला तो घुमाया था मगर वाइड बॉल देखने को मिली इसी वाइड के चलते दोस्तों एक रन और अतिरिक्त रन आता हुआ इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों एक रन दो विकेट के नुकसान पर और टॉम करण दोस्तों बता दें कि टॉम करण ने यहाँ पर विकेट के नुकसान पर अभी भी यहाँ से अभी भी दोस्तों बता दें कि अभी भी यहाँ से बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला है इसी क्षण में टीम का स्कोर सड़सठ पर दो विकेट के नुकसान पर टॉम ने यहाँ पर पहले ओवर में दोस्तों पहले गेंद पर सात रन दे चुके हैं और अभी भी यहाँ से पांच गेने बची हैं पांच गेने के बाद दोस्तों यहाँ पर राउंड द विकेट से एक बार फिर से तैयार है टर्म करन गेल लाने के लिए इस बार दोस्तों पर राउंड द विकेट से गेंद लाते हुए लो फुल टॉस देखने को मिली और किया ने दोस्तों लो फुल टॉस को यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला जब तक एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी उस गेन को फील्ड करता तब तक दो रन आसानी से चुरा लिए गए अब बेहतरीन रनिंग देखने को मिली है दोनों बल्लेबाजों के बीच में बेहतरीन तालमेल देखने को मिला है और तालमेल के साथ हमारे टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से उनहत्तर पर दो विकेट का नुकसान पर दो गेंदों में नौ रन आ चुके हैं कप्तान थोड़े से महंगे साबित दिख रहे हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ पर अगर बुलायू की टीम ने टॉस तो जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और निर्णय के साथ देखेंगे कि किस तरह से करेंगे इसी के में टॉम रन तीसरी बॉल लेकर तैयार है सामने बल्लेबाज है दोस्तों यहाँ पर पर किया किया ने आखिरी बॉल पर आसानी से लिया थर्ड मैन दिशा में गेंद गई थी और आसानी से दोस्तों एक रन देखने को मिला और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा सत्तर रन और यहाँ पर जो कि सत्तर वो तीन बोलों में दस रन दे चुके हैं और बैंड डोमट के पास दोस्तों स्ट्राइक आ चुकी है और आप देखेंगे कि बैंड डोमट किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे और मेरे हिसाब से दोस्तों बैंड डोमट को यहाँ पर भी हाथ घुमाने चाहिए यहाँ दोस्तों हाथ खोलने चाहिए क्योंकि तीन गेंदों में यहाँ पर एक रन बना चुके हैं तो तीन गेंदों का जो समय है दोस्तों वो बिल्कुल ले चुके हैं और यहाँ पर अगर बैंड डोमट की अगर मैं पिच की बात करता हूँ तो बैन बैंड डोमट को दोस्तों पिच पर आए पंद्रह मिनट हो यहाँ पर पंद्रह मिनट नहीं कह सकते दस मिनट हो चुका है और यहाँ पर बैंड डोमट ने भी दोस्तों हाथ खोले हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है और उसी तरीके से क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर खेला गया है बेहतरीन छक्का और उसी छक्के के साथ पर टीम का स्कोर हो जाएगा छिहत्तर रन बहुत बढ़िया टॉम का चार बोलों में सोलह रन थोड़े से ज्यादा मैं साबित होते हुए पे चार गेंदों में सोलह रन दे चुके हैं और अभी भी दोस्तों यहाँ से, से शेष चार दो गेंदे बची हैं क्या बैंड डोमट के ऊपर दोस्तों बता दे कि दो गेंदों में क्या एक और दोस्तों बड़ी शॉट लगा सकते हैं अगर लगा सकते हैं वो देखना होगा और इसी के साथ में आपको बता दे कि चार बोल में दोस्तों सौ सोलह रन बनाकर खेल रहे हैं बैंड डोम चार बोलो में दोस्तों सात रन हो चुका है टीम का स्कोर और इसी के साथ में यहाँ पर टॉम करण दोस्तों फील्डिंग की सजावट करते हुए पार्थिव पटेल से दोस्तों यहाँ पर जो तो कि सलाह ली जा रही है पार्थिव पटेल दोस्तों यहाँ पर विकेट कीपर हैं विकेट कीपर जानते हैं दोस्तों अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे और वहीं टॉम करण और पार्थिव पटेल दोस्तों आपस में बातचीत करते हुए कि अगली बॉल को वैन डोमट के लिए किस तरह से करा जाए और बहुत ही जरूरी है दोस्तों अभी आपको बता रहे दोस्तों मेरी भाई मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दिया है हाँ भाई व्हाट्सएप नंबर आपका आ गया है मेरे पास भाई इंडियन प्लेयर क्यों नहीं खेल रहे हैं हाँ पर भाई आपको बता दें मोहम्मद जवाई भाई यहाँ पर जो कि भारतीय जो कि इंडियन प्लेयर खेल रहे हैं यहाँ पर इंडियन प्लेयर दोस्तों एक तो यहाँ पर पार्थिक पटेल है उसके बाद आपको ने नाम सुना होगा दोस्तों यूसुफ पठान का इरफान पठान का दोस्तों यहाँ पर रॉबिन उथप्पा का आपने नाम सुना होगा दोस्तों आपको बता दूँ भाई तो आपको बिल्कुल यहाँ पर भारतीय जो यहाँ पर पूर्व पर खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं वो दोस्तों यहाँ बता दें कि वो खेल रहे हैं

यहाँ से उन्नीस बची हैं बची हैं और पहले ओवर में दोस्तों आ चुके हैं सत्रह रन पहले ओवर में सत्रह रन आ चुके हैं और बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे थे वेंडोम आखिरकार अपना विकेट है वो देखने को मिलेगा इसी के टॉम किरण का भी जो टॉम किरण ने दोस्तों अपना विकेट निकाला है पहला विकेट और इसी साथ में अपना जो देखना हुआ कि आखिरी बॉल किस तरह से करते हैं और उसके तरह देखेंगे इसके बाद कौन से बल्लेबाज हमें देखने को मिल सकते हैं क्या इशारा फरारा आएंगे कौन से बल्लेबाज बल्लेबाज आएंगे और सिक्स में दोस्तों बता दें कि वेस्टर बी वैन वेस्टर आ चुके हैं वेस्टर बल्लेबाजी करने के लिए और वेस्टर की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर वेस्टर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी करते हैं वेस्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो कोशिश देखेंगे कि बेस्टर किस तरह से करेंगे और इसी के साथ में यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है सतहत्तर पर तीन विकेट के नुकसान पर और क्या बेहतरीन तरीके से खेलते हुए बैस्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों बैस्टर के पास बहुत क्षमता है कि बड़े बड़े शॉट लगाकर अपनी टीम का स्कोर दोस्तों तेज गति के साथ यहाँ पर पहुंचा सकते हैं और देखेंगे कि यहाँ पर बेस्टर के द्वारा यहाँ पर पहली बॉल से दोस्तों आकर में बोला जाएगा टॉम करण के द्वारा या फिर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि टॉम करण यहाँ पर जो कि बेहतरीन गेंद करेंगे एक और विकेट निकाल सकते हैं बेस्टर पर अगली बॉल दोस्तों खेलते हुए पहले पहले फील्डिंग को देखते हुए वेस्टर मैं बात करता हूँ पांच बोलो में दोस्तों सत्रह रन दे चुके हैं विकेट के नुकसान पर और इसी तरह मैं पहली बॉल लेकर तैयार है किस तरह से करेंगे कर तैयार है दोस्तों आसानी से एक देखने को मिला और उसी एक रन के साथ आपको बता दें यहाँ से टीम का स्कोर दोस्तों हो जाएगा अठहत्तर पर सात विकेट के नुकसान पर बेस्टर के पास स्ट्राइक रहेगी और अगला ओवर देखेंगे कि कौन सा गेंदबाज करता है दोस्तों आपको बता दें कि अगला ओवर मेरे हिसाब से जो है दोस्तों वो पीटर के हाथ में गेंद थमा दी है और ऐसा लग रहा है कि पीटर हैड्स गोलू अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए पहले ओवर में पीटर हैड्स गोलू ने पांच रन दिए थे और बहुत बढ़िया उन्होंने दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी करी थी बिल्कुल सेंडल कॉटन के द्वारा यहाँ पर जो कि पीटर हैड्सगोलू को विकेट नहीं मिला है मगर देखेंगे कि पहले ओवर में पाँच रन दिया था दूसरे ओवर में यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं विकेट निकालने की मगर देखेंगे कि यहाँ पर विकेट नहीं आना चाहिए अगर विकेट आता है दोस्तों तो, तो, तो मैच यहाँ पर दूर हो जाएगा अगर व्लाइव की टीम से दोस्तों क्योंकि बता दें कि इसके बाद यहाँ के जो कि शारा परेरा हैं वो इतने यहाँ पर बड़े शॉट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उनके पास उनको समय लेना होता है और उसी के स्थान में पीटर हेड्स गोलू यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों राउंड द विकेट से यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए और यहाँ पर बेबस्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो बेवस्टर को पसंद है उछाल गति पसंद है सिक्स में पहली बॉल लेकर करने के तैयार है दोस्तों यहाँ पर वेस्टन और वेस्टन ने कदमों का इस्तेमाल करा है गेंद गई दोस्तों फाइन लेग की दिशा में जब तक खिलाड़ी दोस्तों गेंद को फील्ड करेगा आसानी से एक रन तो ले लिया गया है दूसरे रन की मांग करी है और दूसरा रन भी दोस्तों चुरा लिया जाएगा और इसी दो रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा अस्सी पर विकेट का नुकसान वेस्टर्न ने क्या बेहतरीन तरीका था दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर बेहतरीन रनिंग देखने को मिली और उसी रन पर टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों तीन बोलों में यहाँ पर दो बॉलों में तीन रन बनाकर खेलते हुए सिखान में पहली बॉल पर आ चुके हैं दो रन पीटर हैड्स गोलू यहाँ पर देखेंगे किस तरह से करेंगे और सिक्स में यहाँ पर टीम का स्कोर हो जाएगा अठारह बोल में दोस्तों यहाँ पर बता दें कि पर पिछला ओवर अठारह रन का देखने को मिला था और देखेंगे कि ओवर किस तरह से देखने को मिलेगा और सिख में पर पीटर हैड्स गोलू ने सात रन दे चुके हैं अभी तक अपने ओवर में और सिक्स थान में पर फील्डिंग में तब्दीली करी जा रही है वेबस्टर के लिए बता दें कि वेबस्टर के पास वो दम है वहां पर रुख बदल सकते हैं इस मैच का और इसी स्थान में दोस्तों करंट रेट पे आप नजर बना के रखिए करंट रेट यहाँ से हो चुका है दोस्तों ग्यारह दशमलव एक छ का इसी स्थान में अगली बॉल लेकर तैयार है, है। पटकी हुई दोस्तों गेंद है पीछे खिलाड़ी मौजूद है हवा में शॉट है मगर फर्क नहीं पड़ता और आपको बता दें दोस्तों वहाँ पर बेहतरीन चौका देखने को मिला है बिल्कुल गैप में गई थी बिल्कुल बता दें दोस्तों बहुत ही बेहतरीन चौका देखने को मिला है और बेविस्टर ने दोस्तों यहाँ तीसरी ही बॉल पर अपना आगाज कर दिया है अपनी पारी का चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा पर पति विकेट के नुकसान पर अभी भी दोस्तों यहाँ से चार गिन शीज बची हैं और चार गिनों में देखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं और यहाँ पर कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि तेज गति के साथ रन बनाए जाए अगर तेज गति के साथ दोस्तों रन बनाए जाएंगे तभी दोस्तों यहाँ पर बलायु की टीम इस मैच को आसानी से जीत पाएगी और साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अगली बॉल लाने के लिए तैयार है पीटर हैड्स गोलू लगातार फील्डिंग में तब्दीली करते हुए अपने कप्तान टॉम करन से दोस्तों बातचीत करते हुए और टॉम करन के पहले ओवर में दोस्तों अठारह रन आए थे और देखेंगे कि यहाँ पर पीटर हेड्स गोलू कितने रन देते हैं इतना रन देंगे दोस्तों अपने पहले ओवर दूसरे ओवर में पहले ओवर में दोस्तों पांच रन दिए थे मगर दूसरे ओवर इसी के साथ लेकर तैयार है अपने छोर को बदला गया है पीटर लुकदा और दोस्तों बता दें कि पर फुल लेंथ गेंद दोस्तों सीधे बल्ले के साथ खेला है गेंद जा रही है दोस्तों यहाँ पर मिड विकेट की बाउंड्री की तरफ और बता दे दोस्तों यहाँ पर हवा में गेंद है और क्या बेहतरीन छक्का देखने को मिला है और इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से टीम का स्कोर दोस्तों हो जाएगा नब्बे पर तीन विकेट के नुकसान पर आपको बता दें दोस्तों भाई ए, इंडियन टेस्ट मैच विन कर जाता है पर रैन की वजह से दोस्तों ड्रॉ हो गया हाँ भाई ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद सिराज तो था वो वहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों पर विकेट जो कि दूसरा मैच आसानी से जीत जाती है इंडिया मगर यहाँ पर बारिश ने दोस्तों यहाँ पर खेल में थोड़ी सी जो खलन डाल दी उसकी वजह से दूसरा मैच यहाँ पर ड्रॉ हो गया और आपको बता दें दोस्तों आए कि यहाँ पर इंडिया की टीम आई सी सी यहाँ पर आई सी सी जो यहाँ पर ट्रॉफी है उससे उतनी ही दूर है इतने दूर दोस्तों हम अपनी क्रश से होते हैं और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि बहुत दूर है, आ चुका है।, है पीटर और क्या सामना करेंगे और बेविस्टर ने अपना हल्के हाथों तो से गेंद को खेला है एक रन आसानी से प्राप्त होगा दो रन की मांग करी गई है मगर दोस्तों बता दें कि एक ही रन से श्रेष्ठ संतुष्ट करना पड़ेगा इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से एक पर तीन विकेट के नुकसान पर पीटर हैड्स गोलू आप रन दे चुके हैं अब यहाँ से अगली बॉल लाने के लिए तैयार है पांचवी बॉल पीटर को किया ने दोस्तों गेंद को उठा के खेला है गेंद जारी दोस्तों बाउंड्री लाइन की तरफ मगर बाउंड्री लाइन पे तरफ दोस्तों आसानी से एक ही रन देखने को मिलेगा इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर से हो जाएगा बानवे पर तीन विकेट को नुकसान पर पांच बॉलों में दोस्तों चौदह रन बनाकर खेल रहे हैं अभी दोस्तों बता दें कि आखिरी बॉल यहाँ पर जो की बची है वेबस्टर के लिए और पीटर हेड्स है देखेंगे कि आखिरी बॉल को किस तरह से करते हैं जिस तरह से यहाँ पर मैच को आगे बढ़ाया जा सकता है और मैंने आपको बताया दोस्तों निर्धारित दस ओवर में यहाँ पर जो कि एक सौ ग्यारह से पार भी देखने को मिल सकता है इसी सर में राउंड दिकेट से तैयार है पीटर एंड पटके हुई गेंद दोस्तों खोला है यहाँ पर लाइन की तरफ गेंद यहाँ पर बहुत ही तेजी गति से जाती हुई मगर यहाँ पर फिल्डर दोस्तों कोशिश तो करेगा मगर यहाँ पर फील्डर रोक नहीं पाएगा और इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर आठ ओवर की छियानवे पर तीन विकेट का नुकसान पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए छह बोलो में छह बॉल में आपको बता दूं कि छह बॉलों में वेस्टर्न ने अठारह रन दिए हैं पर तो क्योंकि मारे हैं यहाँ पर पीटर हैड्सगोलू के और यहाँ पर तीन सौ के पीटर हैड्सगोलू ने यहाँ पर दो ओवर में तीस रन दिए है उसी के साथ में यहाँ पर पीटर पीटर हैड्सगोलू के ओवरों का जो कोटा है वो पूरा हो चुका है और इसी के साथ में यहाँ पर बता रहे हैं कि टीम का स्कोर यहाँ से हो चुका है दोस्तों यहाँ तो। पर अगर मैं बात करूँ छियानवे पर तीन विकेट के नुकसान पर देखेंगे कि अगला ओवर किस तरह करते हैं अगर मैं बात करूँ दोस्तों और सिक्स रन में टीम का स्कोर दोस्तों हो चुका है यहाँ पर छियानवे पर तीन विकेट के नुकसान पर लास्ट की बारह गेंदें बची हैं और लास्ट की बारह गेने में देखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं आपको बता दें दोस्तों अभी तो अठारह अठारह का, का पारा पड़ा जा रहा है पहले ओवर में दोस्तों अठारह तो दूसरे ओवर में भी अठारह मतलब बारह गेंदों में छत्तीस रन आ चुके हैं और लास्ट की बारह गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन आ जा सकते हैं और उसके बाद दोस्तों जो ओवर होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ पर बारह शेष बची हैं तो बारह गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन बन जा सक बना सकते हैं दोस्तों अगर मैं वहाँ पर बलायू टीम की अगर मैं बात करता हूँ और मेरे साथ दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि बुलायु की टीम दोस्तों इस मैच को आसानी से जीत सकती है तो बिल्कुल दोस्तों आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी अगर उस समय दोस्तों आप लोग मेरी बात सुनते तो बलायु की टीम यहाँ से कुछ कर सकती थी और इसी के साथ मैं अगर मैं बात करता हूँ तो टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ से आठ ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर छियानवे पर तीन विकेट के नुकसान पर कलीम जन्नत के पहले ओवर में देखने को मिले हैं दोस्तों में यहाँ से अठारह रन मी चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर पीटर हेड्सलू कराने आए थे और कलीम जन्नत तैयार रहे हैं अपना दूसरा ओवर लेकर और दूसरे ओवर में दोस्तों पहले ओवर की अगर कलीम जन्नत की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले ओवर में दोस्तों हमें देखने को मिले थे यहाँ पर कलीम जन्नत ने यहाँ पर पहले ओवर में ग्यारह रन दिए थे और कोशिश ये है कि कलीम जन्नत की और यहाँ पर कप्टान के इसने बारहवीं तो की वो कोशिश यही करेंगे दोस्तों कि कम से कम ओवर रन दिए जाए मगर देखेंगे कि यहाँ पर कितने रन वो देते हैं वो कितने रन देखेंगे तो देखना होगा और सिक्स रन में टीम का स्कोर हो चुका है छियानवे पर तीन विकेट के नुकसान पर आठ ओवर की समाप्ति और होते हुए और वेबस्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो वेबस्टर सोलह छह बॉलों में अठारह रन देते हुए और वहीं किया के कि अगर मैं बात करता हूँ तो किया दोस्तों इक्कीस गेंदों में यहाँ पर अट्ठाईस पर खेलते हुए और बहुत बढ़िया तरीके से मैं कलीम राउंड द विकेट से तैयार है और किया ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से चौके के साथ उनका स्वागत करा गया है और उस चौके की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है चौके की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर चौके के साथ और कोशिश यही करेंगे दोस्तों दो यहाँ पर जो कि बलायु टीम के दोस्तों जो खिलाड़ी हैं जो कप्तान है सिकंदर रजा वो यही चाह रहे हैं दोस्तों कि इस मैच में इस मैच में दोस्तों यहाँ पर जो कि यहाँ पर किया आए हैं और वेविस्टर हैं अधिक से अधिक रन बनाए क्योंकि तो ये यह मैच यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों व्लाइव के लिए और यहाँ पर वही अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कैप्टाउन के लिए भी है मैच बहुत इंपॉर्टेंट है इसी साल में यहाँ पर अगली बॉल लेकर फिर तैयार है सामना फिर करा जाएगा पहली गेंद पर चौका दूसरी बॉल पर सिंगल और इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा इसी सिंगल के साथ दोस्तों बता दें कि मिस फील्डिंग के चक्कर में क्या दूसरा रन आसानी से लिया जाएगा और मेरे हिसाब से दोस्तों दूसरा रन भी लिया गया और इसी फील्डिंग के साथ में टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों एक सौ तो दो पर तीन विकेट के नुकसान पर ला दो गेंदों में चार छः रन दे में है और देखेंगे कि यहाँ से जो की लास्ट की जो चार गेंदें बची हैं तो लास्ट की चार गेंदों में और कितने रन बनाए जा सकते हैं और किया यहाँ पर चौतीस पर पहुंच चुके हैं और मेरे हिसाब से दोस्तों और तेज गति के साथ रन बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है और इसी के साथ में देखेंगे यहाँ पर टीम का स्कोर एक सौ दो पर तीन विकेट के नुकसान पर किया तेईस बोल में चौतीस पर खेल है इसी साथ में तीसरी बॉल यहाँ पर कलीम जनन तैयार है कलीम जनन ने फुल टॉस गेंद डाली गेंद को उठा के खेला है दोस्तों हवा में गेंद यहाँ पे स्कोर लेकर की तरफ जारी है और बेहतरीन चौका देखने को मिला है और बेहतरीन चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा एक सौ छह पर तीन विकेट के नुकसान पर और आपको बता दें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जितना जरूरी हो सके बुलायु की टीम को दोस्तों सपोर्ट करिए बुलायु की टीम को यहाँ पर खाइए मगर आप लोगों ने दोस्तों पता नहीं कि मेरी बात को सुना होगा या नहीं सुना होगा और इसी के साथ में टीम का स्कोर हो चुका है एक छः पर तीन विकेट के नुकसान पर क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों की यहाँ से

और क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पर इस ओवर में अठारह रन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि दो गेंदों में छः ही रन चाहिए वहाँ पर पिछले पहले ओवर में दोस्तों बता दें कि यहाँ से सत्रहवां यहाँ पर सातवें ओवर में, में अठारह पर अठारह रन आठवें ओवर में, में अठारह रन और क्या उन्नीसवें ओवर में भी हमें अठारह रन देगा यहाँ पर क्योंकि नवे ओवर में भी अठारह रन देखने को मिल सकते हैं क्या और इसी तरह में एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला है इस बार डाउन द ग्राउंड खेला पीछे खिलाड़ी पर मौजूद था मगर रोक नहीं पाएगा और इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा बारह पर तीन विकेट के नुकसान पर और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आयो इसी के साथ में टीम का स्कोर यहाँ पर हो जाएगा बारह एक सौ बारह तीन विकेट के नुकसान पर अभी भी लास्ट गेंद बची है और लास्ट गेंद पर देखेंगे कि किस तरह से मैच को आगे बढ़ाया जाता है और किया छब्बीस बोलों में दोस्तों तो रन बनाकर खेल रही है और करीम जन्नत की अगर मैं बात करता हूँ तो करीम जन्नत दोस्तों यहाँ से दे चुके हैं दोस्तों अभी तक सत्ताईस रन अभी भी, भी दोस्तों यहाँ पर करीम जन्नत के करियर यहाँ पर जो एक गेंद शीर्ष बची है और देखेंगे कि एक गेंद को किस तरह से करते हैं और इसी के साथ में अब तक इस ओवर में सोलह रन देखने को मिल चुके हैं और इसी एक के साल में यहाँ पर किया के पास स्ट्राइक है और देखेंगे कि आखिरी बॉल पर आखिरी बॉल पर किस तरह से स्कोर देखने को मिल सकता है कलीम जन्नत दोस्तों यहाँ पर तैयार है वहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों वहाँ पर आखिरी बॉल पर एक और दो रन देखने को मिले इसी दो रन के साथ इस ओवर में भी दोस्तों अठारह रन देखने को मिल गए और इसी अठारह रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा एक पर तीन विकेट के नुकसान पर अभी भी दोस्तों यहाँ से यहाँ से आपको बता रहे दोस्तों कि अभी भी छह गेंदे हैं और छह गेंदों में और कितने रन हमें देखने को मिल सकते हैं और क्या बेहतरीन तरीके से क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों उन्होंने यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाया है और अगर वेस्टर की अगर मैं बात करता हूँ अगर बैट्टर की अगर मैं बात करता हूं तो बैट्डर ने छह बॉलों में दोस्तों यहां पर अठारह रन दिए हैं और जो लास्ट की यहां पर जो लास्ट के छह गेंद यहां पर बचती हैं वो बेटर के पास स्ट्राइक है और बेबिस्टर देखेंगे कि यहाँ पर टॉम करन के सामने किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे और टॉम करन के पहले ओवर में अठारह रन आ चुके थे और क्या इस ओवर में भी हमें अठारह रन देखने को मिल सकते हैं आपको बता दें कि तीन ओवर में तीन ओवर में लगातार अठारह अठारह रन इसी के साल में पहली ओवर के दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बेबिस्टर ने पहले बॉल पर चौका के साथ यहाँ पर स्वागत करा है दसवें ओवर का और बेहतरीन चौका देखने को मिला है इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा आपको बता दें टीम का स्कोर दोस्तों हो जाएगा यहाँ से एक सौ अठारह पर तीन विकेट के नुकसान पर लास्ट की पांच गने बची हैं यहाँ पर और लास्ट के पांच गेंद में देखेंगे रखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं कलीम जन्नत तैयार हैं यहाँ पर लेकिन कलीम जन्नत ने दोस्तों दो आपको बताया था मैंने जैसे प्रेडिक्ट करा था कलीम जन्नत दोस्तों रन देते हैं विकेट नहीं निकाल के देते हैं और यहाँ पर जो की बैटिंग से अगर मैं बात करूँ तो बैटिंग से भी दोस्तों उतने यहाँ पर अच्छे लाइन नहीं दिखते हैं कलीम जन्नत में अगली बॉल तैयार एक बार फिर से करन लाते करन दोस्तों। दूसरी बार पर टॉम लाते आपको बता दें दोस्तों पर जो भाई ने कमेंट करी है क्या भाई ने कमेंट करी है भाई शादाब खान का करियर बताना आपको बता दें भाई यहाँ से शादाब खान मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर प्रीमियर लीग में खेल नहीं रहे हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर मैंने खेलते हुए देखा नहीं है शादाब खान का तो करियर की अगर मैं बात करता हूँ तो उनके करियर दोस्तों यहाँ पर इतना शानदार खिलाड़ी है यहाँ पर शादाब खान और मैं पी ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं पी भी कवर करता हूँ जब जब पी सी होता है दोस्तों पी सी एल भी यहाँ पर कवर करता हूँ और हर टीम को मैं दोस्तों कोई भी लीग हो उसको कवर करता हूँ और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि टीम का स्कोर हो चुका है एक पर तीन विकेट के नुकसान पर कलीम जन्नत ने यहाँ पर दो ओवर में उनतीस रन दिए हैं और अभी भी अभी भी टॉमकरन की अगर बात करूँ तो टॉम ने यहाँ पर तीन गेने दे चुके हैं टीम तीन तीन गेनों में यहाँ पर अभी तक दोस्तों नौ रन हमें देखने को मिला इसी नौ रन के साथ यहाँ पर एक और चौका वो भी चौथी बॉल पर और चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा एक सौ तेईस पर तीन विकेट के नुकसान पर लास्ट की दो गेने बची हैं और लास्ट के दो गेनों में रखेंगे और इसी चौके के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी खेली गई किया के द्वारा और उनतीस बॉल में यहाँ पर पचास रन हो जाएगा और उसी चौके के साथ बता देंगे यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर चौका खेलता हुआ है और एक सौ तेईस पर तीन विकेट के नुकसान पर एक सौ तेईस पर हो चुका है टीम का स्कोर और अभी भी दोस्तों बता दें कि लास्ट की दो गेंदें बची हैं कि लास्ट की दो गेंदों में क्या सात बना अगर बनाया दो गेंद बची हैं और सात रन बन जाते हैं इस में बॉल तैयार है और पांचवी बॉल को कट करने की कोशिश बल्ले कोई भी संपर्क नहीं और आपको बता दें कि डॉट 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 गेंद गेंद आती हुई इसी के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा एक सौ तेईस पर तीन विकेट के नुकसान पर और आखिरी बॉल और अभी तक अगर मैं बात करूं तो टॉम करन ने इस ओवर में नौ रन दिए हैं नौ रन दिए हैं इस ओवर में अभी भी दोस्तों बता दें कि आखिरी बॉल बची है और आखिरी बॉल को देख किस तरह से और आपको बता दें दोस्तों आखिरी तो बॉल है अभी तक तो आप लोगों mm. ने फॉलो नहीं करा है सब्सक्राइब नहीं करा कर दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉलो करिएगा बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों और इसी शायद दोस्तों बता दें आखिरी के साथ दोस्तों बता दें आखिरी बॉल पर है हमारे आसानी से एक रन देखने को मिला और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से एक सौ पच्चीस परिस फील्डिंग के चक्कर में दो रन आए और उसी दो रन के साथ यहाँ पर निर्धारित दस ओवर में हमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों एक सौ पच्चीस रन और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ से बुलायो की टीम ने अपने निर्धारित साठ गेंदों में दोस्तों हमें देखने को मिले हैं एक सौ पच्चीस रन वो भी तीन विकेट खोकर और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी करिए यहाँ पर बुलायु की टीम ने यहाँ पर तारीफ करनी होगी सिकंदर रजा की यहाँ पर बैविस्टर की दोस्तों यहाँ पर किया कि उन्होंने दोस्तों शुरू से आए अंत तक खड़े रहे और इकतीस बॉल में यहाँ पर बावन रन की पारी खेली और इसी के साथ दोस्तों इनिंग ब्रेक हो चुका है अगर दोस्तों अगर मैं कप्टान को इस मैच को जीतना है तो कैप्टान के बल्लेबाजों को दोस्तों आज ये अग्नि परीक्षा होगी वो के हो यहाँ पर गेंदबाजों के सामने और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि इनिंग ब्रेक हो चुका है और इनिंग ब्रेक के बाद दोस्तों हम आपके साथ जुड़ेंगे और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि अभी तक आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं कराया अगर कोई भी सवाल हो दोस्तों आपको यहाँ पर जोड़ सकते हैं और इसी के साथ में अगर ग्लोबल टी में अगर मैं आपको बता दें दोस्तों वहाँ पर ग्लोबल टी ट्वेंटी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखना पड़ेगा ग्लोबल टी ट्वेंटी और बता दें दोस्तों यहाँ पर टाइम नहीं मिलता है भाई यहाँ पर कौन कौन सी लीगों को मैं यहाँ पर करूँ मगर टाइम नहीं मिलता है और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि हम आपसे लिए थोड़ी देर से दोस्तों बदाई चाहते हैं क्योंकि बता दें कि इनिंग ब्रेक हो चुका है हम भी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे आपके साथ फिर जुड़ेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ लाइव आने के लिए और इसी के साथ मैं जय हिंद दोस्तों ख्याल रखेगा अपना मगर इनिंग ब्रेक के साथ आपके बाद फिर जुड़ेंगे भाई जाइएगा कहीं नहीं इनिंग ब्रेक के बाद आपके साथ फिर लाइव आते हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि टीम का स्कोर अब यहाँ पर कैप्टान की टीम को दोस्तों जीतना है तो 126 रन मनाने एक रन बनाने होंगे निर्धारित एक और इसी के साथ दोस्तों एक बार फिर से हम आपके साथ आ चुके हैं लाइव क्योंकि बता दें दोस्तों दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं एक बार फिर से दोस्तों मैदान में आ चुके हैं और इसी के साथ अगर कैप्टाउन की टीम को दोस्तों यह मैच जीतना है दोस्तों तो बनाने होंगे साठ गेंदों में एक तो सौ रन और देखा जाएगा दोस्तों कौन सी टीम इस मैच को बाजी मारती है और इसी के साथ में यहाँ पर लक्ष्य बड़ा है दोस्तों मुमकिन है मगर नामुमकिन नहीं कह सकते दोस्तों और इसी के साथ में रखेंगे कि यहाँ पर किस रन करेंगे और क्या यहाँ पर अगर ये बात यहाँ पर सोचनी होगी टॉम करण को दोस्तों अपने बल्लेबाजों की टॉम इस मैच में कप्तान है तो पर टॉम हैल्लेबाजों को दोस्तों अपने बल्लेबाजों को यहाँ पर भरोसा दिलाना होगा कि अगर यहाँ पर जो कि सामने वाले टीम के बल्लेबाज बना सकते हैं तो बना हम भी भी सकते हैं दोस्तों ऐसा नहीं कि रन बनते नहीं है साठ बोलो में एक सौ छब्बीस रन बिल्कुल बनते हैं आपको बता दें दोस्तों पिछले साल जिम्मे में प्रीमियर लीग हुई थी तो उसमें दस ओवर में माफी चाहूंगा उसमें नहीं अब वो में टी टेन में यहाँ पर साठ साठ गेंदों में एक सौ चौवालीस रन चेस हुए थे आपको बता दूं मैं तो यहाँ पर कोशिश हो सकती है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो कि अगर कैप्टाउन के बल्लेबाजों की अगर बात करें तो कैप्टान के बल्लेबाजों के पास अच्छी खासी यहाँ पर बैटिंग लाइनअप है और उनके पास बहुत दम भी है दोस्तों तो बना सकते हैं ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं बना सकते हैं और इसी के साथ बता दें कि यहाँ पर जो कि दोनों ओपनर आ चुके हैं अगर मैं बात कर दूँ के कप्टान के बल्लेबाजों की और इसी के साथ मैं यहाँ पर पहली बॉल खेलने के लिए तैयार है दोस्तों यहाँ पर खेली जाएगी वो भी यहाँ पर खेलेंगे अगर मैं बात करूँ रमन गुरबाज पहली बॉल खेलने के लिए तैयार है रहमान गुरबाज ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए आसानी से एक रन देखने को मिला और इसी एक रन के साथ यहाँ पर टीम का स्टार हो जाएगा माफी चाहूंगा रहमान उल्लाह गुरबास ने यहाँ पर पहली बॉल को नहीं खेला था यहाँ पर मुरू मानी ने पहली बॉल को खेला आसानी से एक रन देखने को मिला और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों एक रन उनसठ बॉलों में दोस्तों ऐसा एक सौ रन की दरकार है किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी को अंजाम दिया जाता है वो देखना होगा मगर जिस तरह से यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाज़ी करनी होगी अगर इस मैच को दोस्तों आसानी से जीतना होगा ये मैच आसान नहीं होगा क्योंकि अगर यहाँ पर कैप्टाउंस के अगर बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूँ तो कैप्टाउंस के बल्लेबाजों के पास दोस्तों ये यहाँ पर अग्नि परीक्षा है अगर बात करें दोस्तों कि अगर इससे बात जो भी दोस्तों मुकाबले आएंगे वो और भी खतरनाक दोस्तों हो जाएंगे और उसी के साथ में तस्किन अहमद माउंड द विकेट तैयार है दोस्तों गुरबाज के लिए यहाँ पर एक अफगानिस्तान का खिलाड़ी दोस्तों दूसरा यहाँ पर बांग्लादेश का खिलाड़ी और अब डॉट गेंद देखने को बोली यहाँ पर बेहतरीन गेंद देखने को बोली इसी बेहतरीन के साथ गुरबाज में यहाँ पर पहली बॉल को सी डबल दे के साथ खेला डॉट गेंद देखने को बोली इसी डॉट के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर जो की हमें देखने को मिला एक रन दो गेंदों में लास्ट के चार गेंदें बची हैं तस्कीन अहमद के पहले ओवर की और देखेंगे कि पहले ओवर में तस्कीन अहमद किस तरह से करते हैं गेंदबाज़ी और उसी के साथ में अगर कप्तान को ये मैच जीतना होगा तो दोस्तों बता दें कि पावर प्ले का सही तरीके से यहाँ पर जो कि प्रयोग करना पड़ेगा अगर पावर प्ले में अच्छे खास रन बन जाते हैं दोस्तों बयालीस सर, तैंतालीस रन या चौवालीस रन दोस्तों बन जाते हैं तो कह सकते हैं दोस्तों कि इस मैच में यहाँ पर जान डाल सकते हैं और इसी के साथ में लगातार हमें डॉट गेंद चलते देखने को मिली है गुरुबाज के तरह ऐसा लग रहा है कि गुरबाज थोड़ा शट होने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जो जानते हैं दोस्तों अब कि गुरुवास ने इससे पहले दस ओवर यहाँ पर फील्डिंग करना उछाले और बात का यहाँ पर पता चल गया होगा और इसी साथ में दो गेनों में डॉट डॉट हमें देखने को मिली इसी साथ में सत्तावन पर एक सौ पच्चीस हो चुका है टीम का स्कोर अहमद तीन बोलो में दोस्तों यहाँ पर एक रन में पर दे चुका है और लास्ट के तीन गेने बची हैं गुरुवास के द्वारा कि यहाँ पर बड़े शॉट की पर जो आगाज है वो कब देखने को मिलता है और इसी के साथ में पर जो कि अगली बॉल लेकर तैयार है अगली बॉल दोस्तों की क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेला गया है दोस्तों अगली बॉल को क्या बेहतरीन तरीके से खेला गया अगर मैं बात करू दोस्तों मगर यहाँ पर गेंद तो यहाँ पर शॉट तो बहुत ही लजीज था मगर गेंद दोस्तों गैप में नहीं भेज पाए और इसी किसान में लगातार हमें एक और डॉट डॉट देखने को मिली इसी के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा चार गेंदों में दोस्तों एक रन और छप्पन बोलो में दोस्तों आपको बता दें कि छप्पन बोलो में हाँ सर टीम का स्कोर एक सौ पच्चीस वन हो जाएगा और अभी भी दोस्तों बता दें कि चार गेंदों में एक ही रन दिए हैं लगातार है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो कि जो ब्लाय टीम के गेंदबाज है यहाँ पर तस्किन अहमद वो लगातार यहाँ पर जो कि एक सिकंजा बनाया जा रहा है इसी समय तस्किन अहमद राउंड द विकेट से पटकी हुई गेंद दोस्तों तस्किन अहमद ने यहाँ पर तेज गति के साथ गेंद करी है और गुरबाज ने उतनी ही तेज गति से बल्ला चलाया और पहला चौका आता हुआ है अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर टाउन के बल्ले से दोस्तों गुरबाज ने अपनी चौथी बॉल पर दोस्तों बड़ा शॉट खेला और उसी शॉर्ट के साथ में टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ से चार के साथ इसी चार के साथ टीम का स्कोर पर पांच, पांच गेंदों के समाप्त बाद पचपन गेंदों में यहाँ से कह सकते हैं कि एक सौ इक्कीस रन और चाहिए मगर देखा जाएगा तस्कीन अपनी आखिरी गेंद का किस तरह से करेंगे मगर अब तक जिस तरह से यहाँ पर तस्किन अहमद ने पांच गेंदें करी हैं तो कह सकते हैं यहाँ पर पांच गेंद पांच गेंदों का यहाँ पर बेहतरीन तरीके से प्रयोग करा गया और उसी के में पचपन बॉलों में एक सौ इक्कीस रन चाहिए अभी भी यहाँ से एक गेंद शेष बची है तस्किन अहमद यहाँ पर तैयार है अगली बॉल खेलने के लिए तस्किन अहमद के सामने दोस्तों सामने वाला खिलाड़ी पर गुरबाज इसी के सामने पर बैक ऑफ लैंड तस्किन अहमद कदमों का इस्तेमाल करा गुरबाज ने और यहाँ पर बता दें कि बहुत ऊंची गेंद गई है और दूर भी लगभग गई है और उसी छक्के के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा ग्यारह रन ग्यारह रन हो जाएगा टीम का स्कोर और इसी के साथ आपको बता दें कि पहले ओवर में पहले ओवर में दोस्तों तस्के यहां पर जो कि अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कैप्टाउन के अगर बल्लेबाजों के तो पहले बाद बल्ले ओवर में दोस्तों ग्यारह रन बना दिए हैं और अब तक तो आपको बता दें कि यहाँ से यहाँ से दोस्तों हम रिक्वायर्ड रन दोस्तों साढ़े बारह का चल रहा है और करंट रन रेट दोस्तों ग्यारह का चल रहा है अगर करंट रन रेट रन रेट को साथ में लेकर चलते रहेंगे तो दोस्तों कैप्टाउन के बल्लेबाजों के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल दोस्तों लेवल में बने रहेंगे इसी के ऐसे तस्किन है ने पहले ओवर में दे दिए हैं दोस्तों ग्यारह रन इसी ग्यारह रन के साथ यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति होती हुई और देखा जाएगा कि दूसरा ओवर कौन सा गेंदबाज लेकर आता है दूसरा ओवर देखना होगा मगर इस तरह से देखेंगे दोस्तों तस्किन अगर मैं बात करूँ दोस्तों और में जैक यहाँ पर जैक पैराडाइज आ चुके हैं दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए और जैक की अगर मैं बात करूँ तो जैक दोस्तों यहाँ पर जो कि थोड़े से छोटे कद के हैं टॉम के दोस्तों थोड़े से यहाँ पर लंबे हैं और यहाँ पर तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं और बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और देखना होगा कि जैक किस तरह से गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर वानी के सोने और वानी ने यहाँ पर अभी तक खाता नहीं खोला है पहली बॉल पर दोस्तों सिंगल जरूर लिया था वो लेकवाई के रूप में आया था तो कोशिश ये देखनी होगी कि यहाँ पर मुरुबानी इस ओवर की शुरुआत किस तरह से करते हैं अगर इस ओवर की शुरुआत बेहतरीन तरीके से करते हैं तो कह सकते हैं दोस्तों इसी के में पहली बॉल लाने के लिए तैयार है मुरुबानी ने यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करा गेंद गई दोस्तों एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और क्या बेहतरीन फील्डिंग के चक्कर में दोस्तों बेहतरीन फील्डिंग के लिए दोस्तों दो रन बचा अपनी टीम के लिए इसी दो रन के साथ दोस्तों एक्स्ट्रा कवर की दिशा में तेज गति के साथ गेंद जारी थी मगर बेहतरीन फील्डिंग के साथ में दो रन बचाए गए फील्डर के द्वारा अपने टीम के लिए इसी दो रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा तेरह पर बिना किसी नुकसान पर और लगातार यहाँ पर बातचीत चलती हुई दोस्तों अगर एक अंदर रजा गेंदबाज की बात करूँ दोस्तों फील्डिंग में तब्दीली करी जा रही है और मरूबानी के लिए दोस्तों फील्डिंग सजाई गई है तो मुरु मानी के लिए बता दें कि ये जो लोगों यहाँ पर दो खिलाड़ी दोस्तों बाहर रहते हैं पावर प्ले के तो यहाँ पर पहला खिलाड़ी दोस्तों वो लॉन्ग ऑन की तरफ रखा गया है दूसरा खिलाड़ी दोस्तों यहाँ पर स्क्वार लेग की तरफ रखा गया है क्योंकि तो यहाँ पर जो कि टॉम रुरुमानी है दोस्तों वो पसंद करते हैं पुल शॉट और दोस्तों लॉ यहाँ पर पुल शॉट को मारना पसंद करते हैं दोस्तों और वो भी यहाँ पर बिल्कुल जगह यहाँ पर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों खड़े खड़े मारते हैं कदमों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और यहाँ पर तभी उनके लिए इस तरह की जो फील्डिंग है वो लगाई गई है

व्हाइट लाइन होती है दोस्तों उससे काफ़ी बाहर गई और मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर व्हाइट देना चाहिए मगर देखेंगे तो दोस्तों व्हाइट देते हैं या नहीं वो देखना होगा और आपको बता दें दोस्तों कि तीन गेने हो चुके हैं तो तीन गेंदों में मात्र अभी तक दो रन देखने को मिले इसी दो रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा तेरह रन बिना किसी नुकसान पर इक्यावन मिलों में दोस्तों एक सौ तेरह रन की आवश्यकता है और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी इस मैच को अगर यहाँ पर जीतना चाहते हैं और इसी के साथ में आकर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से क्योंकि तो चौथी बॉल पर एक और सिंगल देखने को मिला है और उसी सिंगल के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों कन्फर्मिंग चल रही है मेरे हिसाब से दोस्तों टीम का स्कोर पंद्रह रन होना चाहिए और इक्यावन इक्यावन बॉल्स में दोस्तों एक रन की दरकार है और लगातार दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करनी पड़ेगी और उसी में अगर तो मैं आपको तो यहाँ बता दूं कि यहाँ से दोस्तों विकेट निकालना पड़ेगा दोस्तों अगर विकेट निकालते ही है अगर टीम यहाँ से तभी दोस्तों ये मैच बनेगा क्योंकि बता दें कि दोनों बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं और दोस्तों बता दें कि दोनों बल्लेबाजों के दोस्तों तालमेल की अगर मैं बात करता हूँ तो अच्छा तालमेल रहता है और दोस्तों तेज़ गति के साथ रन बनाना पसंद करते हैं दोनों बल्लेबाजों को दोस्तों तेज़ गति पसंद है इसी के साल में यहाँ पर क्योंकि तो, चौथी बॉल तीसरी बॉल पर यहाँ पर बहतरीन कट चुके कट के शायद यहाँ पर दो रन देखने को मिले और इसी के साथ में यहाँ पर चौथी बॉल पर एक और चौका वो ही फाइनल लेख की दिशा में आसानी से चौका आता हुआ और उसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों बीस रन बिना किसी नुकसान पर पचास बोलो में एक रन चाहिए और रन रेट दोस्तों बता दें कि रन ज्यादा नहीं है क्योंकि पचास गेंदे बहुत होती है और उसी पचास रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा बीस पर बिना किसी नुकसान पर और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों कैप्टाउन के बल्ले यहाँ पर जो कि बल्लेबाज दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए क्या बेहतरीन अगर बल्ले बदलेबाजी कर रहे हैं अगर मैं बात बात करूँ दोस्तों यहाँ से मुरुमानी भी दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं और गुरुबाज भी दोस्तों यहाँ पर कहना क्या है का बल्ला यहाँ पर क्या बैटिंग तरीके साथ चलना चाहिए इसी के साथ में अगर मैं बात करता रहूँ तो टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों यहाँ पर बीस रन और उसी आप यहाँ पर पाँचवें बॉल पर जब देखने को मिला है दोस्तों आसानी से एक रन और उसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा इक्कीस रन इक्कीस रन हो जाएगा और गुरुबाज की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों गुरुबाज जैसे आप में मैं मेरे साथ पहले जुड़े हूँ दोस्तों मैच में जब मैंने मैं प्रेडिट करा था मैंने तो बताया था आप लोगों को कि अगर गुरुबाज का बल्ला चलेगा दोस्तों तो ये टीम सत्तर परसेंट दोस्तों यहाँ पर मुकाबले जीत जाती है अगर गुरबाज का दोस्तों बदला चलता है तो गुरबाज के दोस्तों अभी तक पाँच मुकाबले करे हैं तो पाँच में से दोस्तों उन्होंने यहाँ पर हर मैच में रन बना के दिए हैं तो इस मैच में देखेंगे कि यहाँ पर शुरुआत तो मिल चुके हैं यहाँ पर जो कि कह सकते हैं कि एक अच्छा स्टार्ट तो मिल चुका है यहाँ पर गुरबाज को मगर देखना होगा किस तरह से करते हैं और इसी रिसेप्शन में अगर मैं आपको बता दूं कि टीम का स्कोर हो चुका है क्या है यहाँ पर इक्कीस परिनाक्सी नुकसान पर अभी भी दोस्तों बता दें कि यहाँ से एक गेंद से इस बची है पिछले ओवर में 11 रन आ चुके थे मगर देखेंगे कि इस ओवर में कितना रन देखने को मिल सकते हैं में आखिरी बॉल पर तैयार है गुरुवार के सामने आखिरी बॉल पर एक और सिंगल देखने को मिला इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों दो ओवर की समाप्ति पर दो ओवर की समाप्ति पर बाईस रन बिना किसी नुकसान पर अड़तालीस बॉलों में दोस्तों एक सौ चार रन देखने को मैं एक सौ आप यहाँ से कह सकते हैं दोस्तों आखिरी बॉल आखिरी बॉल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ आपको बता दूं कि ओवर की दोस्तों रन बनाने पड़ेंगे और पिछला ओवर दोस्तों बेब स्टार का क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों स्टार यहाँ पर रहा है दोस्तों कैप्टाउन के लिए क्योंकि बता दें यहाँ पर कप्टाउन के बल्लेबाज गुरबाज ने 11 बोलों में दोस्तों यहाँ पर 30 रन ठोक दिए हैं और पिछले ओवर में

क्योंकि तो सिकंदर रजा कप्तान है कप्तान ने पहली बॉल पर दो रन दिए हैं एक्स्ट्रा कवर के दिशा में और दोनों खिलाड़ी ने बेहतरीन फील्डिंग के चक्कर में दोस्तों बता दें कि दो रन चुरा लिए इसी दो रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा चौवालीस पर बिना किसी नुकसान पर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए और उसी चौके की यहाँ पर आवश्यकता थी मगर यहाँ पर पहली बॉल पर दोस्तों दो रन देखने को मिल चुके हैं फील्डिंग की लगातार यहाँ पर सजावट चलती हुई थी सर में बॉल लेने के तैयार है सिकंदर रजा राम विकेट से दोस्तों कदमों का इस्तेमाल करा गया ओवर द कवर बेहतरीन यहाँ पर शॉट और बिल्कुल गैप में शॉट था और उसी शॉट के साथ आसानी से हमें एक रन दिए हमें एक रन चौके चौका देखने को मिला है एक और चौका और मुरुवानी का ये दूसरा चौका कह सकते हैं इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा अड़तालीस पर विनायक नुकसान पर चालीस बोलों में दोस्तों अठहत्तर रन की दरकार है गुरवाज ने ग्यारह बोलों में दोस्तों तीस रन ठोके हैं तो कह सकते हैं क्या लजीज तरीके से यहाँ पर ठोके हैं रन सिकंदर रजा दो बॉल में दोस्तों छह रन दे चुके हैं और यहाँ पर जो तारीफ करनी होगी दोस्तों अगर मैं बता दूँ इसी क्षण में तीसरी बॉल लेकर तैयार है मुरुमानी यहाँ पर अपने ओवर की दोस्तों तीसरी पार्टों पर गेंद अपील करी जा रही है सिकंदर रजा के द्वारा मगर अंपायर दोस्तों नॉर्थ यहाँ पर इंटरेस्टेड रहेंगे अंपायर के द्वारा कोई भी दोस्तों यहाँ पर अपील नहीं करी गई और इसी सन में यहाँ पर जो तीसरी बॉल पर लेग लेक के साथ चलते दोस्तों आसानी से एक रन देखने को मिला और उसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से उनचास पर उनचास पर हो जाएगा दोस्तों टीम का स्कोर हो जाएगा दो सौ उनचास पर बिना किसी नुकसान पर सिकंदर रजा तीन बोल में दोस्तों छ रन देते हुए और गुरबाज की अगर मैं बात करूँ तो गुरबाज ग्यारह बोल में दोस्तों ग्यारह रन में यहाँ पर तीस रन बनाकर खेलते हुए इसी के स्थान में यहाँ पर सिकंदर रजा तैयार है राउंड द विकेट से दोस्तों और यहाँ पर तीसरी बॉल दोस्तों करेंगे गुरबाज के लिए यहाँ पर इसी के स्थान में यहाँ पर सिकंदर रजा ने दिशाहीन गेंदबाजी करी और आसानी से एक रन और देखने को मिला इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा मेरे हिसाब से पचास रन हो जाएगा और यहाँ पर सिकंदर रजा के सामने दोस्तों गुरबाज हैं और देखेंगे कि यहाँ पर सिकंदर रजा यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर गुरबाज के सामने बल्लेबाजी करेंगे क्या गुरबाज यहाँ पर सिकंदर रजा के सामने जोखिम लेंगे बड़ा शॉट मारने का दोस्तों बड़ा शॉट यहाँ पर खेलने का मगर देखना होगा कि पर वेबस्टर के ऊपर दोस्तों बेहतरीन तरीके से उन्होंने यहाँ पर गेंदबाजी करी थी तो इसी स्थान में सिकंदर रजा पांचवी बॉल लेकर तैयार है गुरबाज के लिए और गुरबाज बारह बॉल में दोस्तों तीस रन बनाकर खेल रहे हैं ढाई सौ के हम बात कर रहे हैं और उसी क्षण में यहाँ पर जो कि चौथी बॉल लेकर तैयार पांचवी बॉल इस ओवर की दोस्तों डॉट गेंद और डॉट के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से पचास रन बिना किसी नुकसान पर पिछला ओवर इक्कीस रन का देखने को मिला था तो इस ओवर में दोस्तों अभी तक हमें आठ रन देखने को मिले हैं और देखेंगे कि किस तरह तो से ये ओवर करे यहाँ पर करेंगे सिकंदर रजा रजास्तान में अपनी ओवर की आखिरी बॉल देकर तैयार तो है और यहाँ पर सिकंदर रजा के सामने दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं गुरवास और आखिरी बॉल पर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर आसानी से एक रन देखने को मिलेगा और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा इक्यावन पचास ओवर की समाप्ति पर छत्तीस बॉलों में दोस्तों यहाँ से पचहत्तर रन की आवश्यकता है और देखेंगे कि कितने रन और बनाए जा सकते हैं कि 37 गनों में क्या पचहत्तर रन बन पाएंगे आप लोग दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सी टीम दोस्तों इस मैच को यहाँ पर जीतेगी मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अगर विकेट यहाँ से गिरते हैं तो लगातार दोस्तों विकेट गिरेंगे वरना धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर अपन मुश्किलें यहाँ पर तैयार हो जाएंगी और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि टीम का उसको दोस्तों देखना होगा कितने और रन बनते हैं और इसी के साथ में दोस्तों अभी तक जरा आप लोगों ने हमको फॉलो नहीं करा दोस्तों तो फॉलो कर लीजिएगा जल्दी ज़रूर और सिकंदर रजा ने अपने पहले ओवर में आठ रन दिया वहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों किफ़ायती किफायती दोस्तों उन्होंने गेंदबाजी करते यहाँ पर दी है और हम बहुत जहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सिकंदर रजा अपना दूसरा ओवर लेकर आते हैं सिकंदर रजा के सामने यहाँ पर दोस्तों दिक्कत की बात होगी कि जो कि पाँचवां ओवर है दोस्तों वो किससे कराएं पाँचवां ओवर दोस्तों देखेंगे कि वो किससे ज़्यादा कराते हैं अगर पाँचवां ओवर यहाँ पर कराते हैं तो यहाँ पर इन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी को अंजाम दिया जा रहा है इसी के साथ में अगर स्कोर के अगर मैं बात करता हूँ तो स्कोर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों पैंतीस केनो में पैंतीस गोलों में दोस्तों इकतालीस यहाँ पर इकहत्तर रन चाहिए जीतने के लिए और देखेंगे कि दोस्तों कितने रन बनाए जा सकते हैं और इसी के साथ में इसी चौके के साथ दोस्तों टीम का स्कोर हो चुका है बचपन पर बिना किसी नुकसान पर अगर इस मैच को जीतना है बुलायू की टीम को तो यहाँ पर गुरवास का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर गुरवास का दोस्तों विकेट निकालती है तभी दोस्तों ये मैच बनेगा बनना दोस्तों गुरबाज अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे तो आसानी से दोस्तों ये मैच अपनी टीम की तरफ मोड़ देंगे इसी के साथ में यहाँ पर अगली बॉल लेकर तैयार है तस्किन के सामने गुरबाज गुरबाज ने एक बार फिर दोस्तों उठा के गेंद को खेला है और लगातार बेहतरीन चौका यहाँ पर गुरबाज दोस्तों लिया अपने दम पर और अपने दम पर दोस्तों इस मैच का यहाँ पर पास पलटते हुए क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए देख रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पर बहुत बढ़िया जितनी तारीफ करनी होगी दोस्तों गुरबाज की उतनी ही कम यहाँ पर तस्की नह ने यहाँ पर दो दो गेंदों में आठ रन दे चुके हैं अब चौतीस गेंदों में यहाँ से सड़सठ रन की आवश्यकता है देखेंगे कि यहाँ से चार गेंदों में और कितने रन बनाए जा सकते हैं ऐसा लगता है दोस्तों कि मैच यहाँ से अकेले दम पर ही दोस्तों खत्म कर दिया जाएगा और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर यहाँ से होता हुआ उनसठ बॉलो में उनसठ रन हो चुका है बिना किसी नुकसान पर इसी के साथ तीसरी बॉल लेकर तैयार है एक बार फिर से दोस्तों तस्की अहमद ने पटकी गेंद को पटका है गेंद को उठा के खेला है और ये पांचवा छक्का जड़ दिया है दोस्तों तस्की यहाँ पर गुजबा तस्की अहमद के ऊपर और क्या बेहतरीन तरीके से खेलते हुए बिल्कुल दोस्तों काया पलट दी गई और इसी के साथ में तैतीस गेनों में तैंतीस गेंदों में यहाँ से इकसठ रन की दरकार है बिल्कुल दोस्तों एक समय ऐसा लग रहा था कि की टीम दोस्तों आसानी से इस मैच को जीत लेगी मगर लगातार दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन चौके छक्के कैसा दोस्तों यहाँ पर दो धड़कने बढ़ा दी गई है और यहाँ पर सिकंदर रजा दोस्तों बार बार दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े शॉटों को देखा जा रहा है मगर सिकंदर रजा कुछ भी दोस्तों नहीं कर सकते हैं क्योंकि बता दें कि सिकंदर रजा अकेले अकेले दोस्तों ऐसे गेंदबाज बल्लेबाज हैं पर बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं इसी के समय यहाँ पर चौथी बॉल लेकर तैयार है सामना फिर से करा जाएगा दोस्तों यहाँ से पर गुरबाज के द्वारा अगर यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर विकेट निकाला लेना बहुत जरूरी है अगर विकेट लेते हैं तभी तो दोस्तों ये मैच बनेगा वरना मैच यहाँ पर दो की अलग कर दिया जाएगा गुरुबाज अकेले दम पर दोस्तों मैच को खत्म कर देंगे इसी साल में तस्किन अहमद अपने ओवर के चौथी बॉल लेकर तैयार है मगर उससे पहले दोस्तों फील्डिंग में तब्दीली खरीद जा रही है तस्किन अहमदा लॉन्गोन के खिलाड़ी को पीछे भेजा गया है इसको पर खिलाड़ी को फाइन करा गया इस साल में पटके हुई गैन दोस्तों बैक ऑफ लैंड तस्किन अहमद ने गेंद को पटका है गुरबाज ने दोस्तों गेंद को उठाकर खेला है ये के, के मौजूद है और इसी पहला विकेट, पहला विकेट तो गुरवाज का यहाँ पर बहुत बड़ा दोस्तों विकेट आया है और आखिरकार दोस्तों गुरबास का विकेट आता हुआ गुरु ने दोस्तों अकेले दम पर इस मैच में जान डाल दिया अठारह बोलो में पैंतालीस रन ठोके हैं दोस्तों यहाँ पर ढाई सौ के अब बातीस बोलो में अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों बातीस बोलो में एकसठ रन चाहिए और तस्किन यहाँ पर गुरबाज ने अठारह बोलों में दोस्तों पैंतीस रन बना पैंतालीस रन बना दिया है और आप कह सकते हैं दोस्तों क्या बेहतरीन तरीके से उन्होंने बिल बिल्कुल इस मैच में जान डाल दिया है और इसी के यहाँ पर बेहतरीन दोस्तों उन्होंने पारी खेली है और इसी पारी के लिए वो जाने जाते हैं अगर गुरबाज की अगर मैं बात करता हूँ तो अठारह बोलों में दोस्तों पैंतालीस रन में यहाँ पर बनाकर जाएंगे और दोस्तों इसी के यहाँ पर आखिरकार तस्की ने बोले उनका विकेट निकाल ही दिया चौदह रन देने के बाद और देखेंगे कि दोस्तों पर किस तरह से बलायू की टीम को पर वापसी करी जाती है या फिर देखना होगा दोस्तों कि कौन सी टीम से मैच जीते बत्तीस बॉलों में यहाँ पर एकसठ रन की दरकार है तस्किन अहमद यहाँ पर दे चुके हैं और इसी आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिश ब्रिटिश के यहाँ पर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के दोस्तों को दोस्तों। कर फिर से दोस्तों राउंड मैथ्यू दोस्तों यहाँ पर मैथ्यू मैथ्यू यहाँ पर मैथ्यू दोस्तों गेंद वा बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं देखेंगे मैथ्यू किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे मगर तस्किन अहमद की कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि यहाँ पर विकेट टू तो विकेट गेंदबाजी करें और यहाँ पर दोस्तों ज्यादा गेंदबाब बाहर को ना डालें अगर यहाँ से दोस्तों एक और अगर विकेट मिल सकता है दोस्तों अगर तो कह सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे जो पकड़ है वो बनाई जा सकती है यहाँ पर तस्कीन अहमद के द्वारा एक बार फिर से दोस्तों तैयार है तस्कीन अहमद राउंड द विकेट दोस्तों मैथ्यू पर बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं और क्या पहली बॉल पर दोस्तों बड़े शॉट लगाए जाएंगे तस्कीन अहमद यहाँ पर राउंड द विकेट से आए दोस्तों गेंद को पटका है गुटलैंड पर और दोस्तों एक बार फिर से गेंद को तो उठा के गिरने की कोशिश तो मगर बल्ले गेंद का सही तरीके से संभर्क नहीं देखने को मिला है गेंद गई यहाँ तो पर लॉन्ग की तरफ तो तो और आसानी से आसानी से दोस्तों हमें एक रन देखने को पर एक और विकेट देखने को मिला है लगातार दो विकेट और ऐसा लग रहा है कि की कैप्टान की टीम दोस्तों थोड़ी सी जो पर पटरी से उतरती हुई और इसी के साथ में पांच रन गिरा दूसरा विकेट लगातार दोस्तों दो विकेट के कारण पर रनडेड में थोड़ी सी गिरावट आती हुई और इसी के साथ में देखेंगे कि जो नए बल्लेबाज हैं वो कौन से आते हैं आपको बता दें कि भानु का राजपक्षा वनका राजपक्षा दोस्तों आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए और यहाँ पर वनका राजपक्षा के ऊपर दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर पर कह सकते हैं दबाव होगा और यहाँ पर भरोसा जताते हुए वनका राजपक्षा को दोस्तों ऊपर भेजा गया है और इस एग्जाम में तस्किन अहमद ने आखिरकार अपना दो विकेट निकाले और तस्किन अहमद आ चुके हैं ऑन ऑन हैट्रिक अहमद और बॉल है दोस्तों वनका राजपक्षा सामना करेंगे भानुका तो राजपक्षा देख किस रन करेंगे और उसी में अगर स्कोर की अगर मैं बात करता हूं तो इकतीस बॉल में यहां से एकसठ रन की दरकार है अगर भानुका राजपक्षा देखेंगे कि यहां पर बड़ा शॉट खेलेंगे या है, फिर हैट्रिक बॉल को रोका जाएगा अगर हैट्रिक बॉल को रोकने में कामयाब रहते हैं तो डॉट गेन हो जाएगी और डॉट भी ना हो अपना विकेट भी ना निकले और रन भी आ जाए तो देखना होगा किस तरह से करेंगे इसी क्षण में तस्किन अहमद अपनी आखिरी गेंद अपने ओवर की आखिरी बॉल लेकर तैयार है सामना करा जाएगा दोस्तों भानुका राजपक्षा अभी भी दोस्तों बता दें कि पहली बॉल खेलने के लिए तैयार है वन का राजपक्षा दोस्तों राउंड द दिकेट तस्किन अहम तैयार है राउंड द विकेट दोस्तों गेंद लाने के लिए यहाँ से राजपक्षा के लिए दोस्तों पहली बॉल खेलने के लिए तैयार है यहाँ से अगर मैं बात तो करूँ तस्कीन अहमद की तस्कीन अहमद तस्किन किस तरह से खेलेंगे और शिक्षा में जो कि अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर तस्कीन अहमद बिल्कुल दोस्तों फील्डिंग की यहाँ पर जो कि यहाँ पर जो फील्डिंग है उसमें तब्दीली करी जा रही है यहाँ पर तस्कीन अहमद के द्वारा लगातार और में तस्कीन अहमद यहाँ पर राउंड द विकेट तो तैयार है वनका राजपक्षा की अगली बॉल खेलने के लिए

साठ रन की आवश्यकता है और साठ गेंदों में देखेंगे यहाँ पत्तीस गेंदों में दोस्तों साठ रन बन पाते हैं या नहीं अगर बनते हैं दोस्तों तो कौन ऐसा गेंदबाज है बल्लेबाज है दोस्तों वो रन बनाता है और क्या यहाँ पर बुलाई की टीम दोस्तों वापसी कर सकती है क्या और इसी के साथ में देखेंगे कि यहाँ पर जो कि छठा ओवर है छठा ओवर लेकर कौन आता है और यहाँ पर अगर दोस्तों इस मैच को जीतना है तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करनी पड़ेगी और गेंदबाजी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर फील्डिंग में भी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैप्स हमें देखने को मिले हैं उन गैप्स को दोस्तों यहाँ पर भरना पड़ेगा और उसी के साथ में तस्कीन अहमद दोस्तों अब आपको गेंदबाजी करने के लिए नहीं मिलेंगे क्योंकि आप बता दें कि तस्कीन अहमद का स्पेल यहाँ से पूरा हो चुका है और नए गेंदबाज देखेंगे कौन आते हैं दोस्तों और इसी के साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए अगर भानुका राजपक्षा के पास स्ट्राइक रहेगी यहाँ पर छठा ओवर क्या यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पर सिकंदर रजा लेकर आते हैं कि कौन सा ऐसा गेंदबाज है जो छठा ओवर लेकर आता है क्योंकि लास्ट के यहाँ से पांच के ओवर बचे हैं और लास्ट के पांच ओवरों में आपको दो सौ रन की दरकार है और यहाँ पर इसी के साथ में आपको बता दें कि सिकंदर रजा आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए सिकंदर रजा ने पहली बॉल पर आसानी से एक रन दिया और उसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा सड़सठ पर दो विकेट के नुकसान पर अगर सिकंदर रता दोस्तों एक और विकेट अगर निकाल देते हैं यहाँ पर क्योंकि मारूमा की तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि पर जो कि बुलायो की टीम एक बार फिर से दोस्तों मैच जो पकड़ जाएगी और इसी के पर अगली बॉल लेकर तैयार है यहाँ पर जो कि सिकंदर रजा ने फ्लाइटेड रन करी और मारू माने ने दोस्तों उठा के गेंद को खेला है लोगों की तरफ आसानी से एक रन देखने को मिला और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से अड़सठ पर दो विकेट के नुकसान पर अट्ठाईस बॉल में यहाँ से अट्ठावन रन चाहिए इसी तीसरी बॉल पर डॉट हमें देखने को मिलेगी कि वन का राज ने आगे की बॉल को पीछे जाकर कट करने की को, कोशिश करी गई को जब से यहाँ पर का जो गुरबाज से गुरबाज का विकेट गिरा है तब से दोस्तों रन रेट में गिरावट आ रही है और डॉट गेंद भी ज्यादा दोस्तों देखने को मिल रही है तो कोशिश ये कर सकते हैं दोस्तों की लगातार यहाँ पर बैटिंग तरीके से गेंदबाजी करनी पड़ेगी इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि आखिरी बॉल अभी भी दोस्तों दो गेंद डॉट हो चुके हैं दो गेंदों में राजपक्षा ने अभी भी दोस्तों हमें देखने को नहीं मिले मिला रन और देखना होगा कि लास्ट की यहाँ से कि जो कि कितने रन देखने को मिलेंगे राजपक्षा को तेज गति के साथ खेलना होगा में पांचवी बॉल लेकर तैयार एक बार फिर से दोस्तों कट शॉट एक बार फिर से दोस्तों जाएगी फिल्टर के पास रन लेने का कोई भी मौका नहीं और इसी के साथ दोस्तों बता कि टीम का स्कोर हो जाएगा और सब पर दो विकेट के नुकसान पर अभी भी एक गेंद बची है राजपक्षा पांच बॉल में दोस्तों दो रन बनाकर खेलते हुए और वन का राजपक्षा की अगर मैं बात करता हूँ तो वन का राजपक्षा थोड़े से ऐसा लग रहा है कि थोड़े से दोस्तों यहाँ से थोड़े से स्लो देख रहे हैं इसी में सिकंदर रजा ने गेंद करी विकेट निकलने की की को उठा के खेला लेग तरफ और दोस्तों हवा में गेंद है और सिकंदर रजा की गलती की वजह से दोस्तों ये छक्का यहाँ पर भुगतना पड़ेगा अगर फ्लाइटेड गेंद ना करते सिकंदर रजा उनको ललचाने की कोशिश ना करते तो आखिरी बॉल पर दोस्तों छक्का नहीं देखने को मिलता इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा चौबर पर दो विकेट के नुकसान पर साठ ओवर की समाप्ति पर और साठ ओवर के साथ दोस्तों बता दें कि चौबीस गेंदों में यहाँ से चौबीस गेंदों में दोस्तों बावन रन की दरकार है और कैप्टाउन की टीम देखेंगे कि दोस्तों किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए दिखेगी कि यहाँ से अभी बता दें कि पूरी टीम की यहाँ पर जो सिलसिला अभी बाकी है और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से खेलना होगा अगर मैं बात करता हूँ और सिक्स रन में चौवालीस बॉलों में चौवालीस बॉलों में दोस्तों यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ पर बत्तीस बावन पर और देखेंगे कि यहाँ पर जो कि रिक्वायर्ड रन दोस्तों जरूर से रखा है और करंट रनड भी दोस्तों हम नजर बना के रखे करंट रनरेट भी दोस्तों यहाँ से साढ़े बारह का है तो कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर कि, कि की टीम दोस्तों अभी जी हारी नहीं है और वलायु की टीम दोस्तों अभी जीती नहीं है दोस्तों जब तक यहाँ पर चौवालीस गेंदें फेंकी नहीं जा जब गेंद आखिरी गेंद तक हो नहीं जाता था दोस्तों कह सकते हैं कि कोई भी टीम से नहीं जीती है और इसी में सिकंदर रजा के दूसरे ओवर में भी हमें आठ रन देखने को मिले इसी आठ रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा चौहत्तर पर दो विकेट के नुकसान पर और इसी के साथ आपको बता दें कि सत्रह बोल में दोस्तों यहाँ रन की आवश्यकता है क्या दोस्तों जीत पाएगी क्या यहाँ पर कैप्टन की स्नैप में दोस्तों क्या जीत पाएगी इस मैच को इसी क्षण में दोस्तों यहाँ पर अगली बॉल लेकर तैयार है जैक राउंड दिकेट दोस्तों बता दें कि बहुत ही कलात्मक शॉट पिछला दोस्तों छक्का यहाँ पर ताकत के साथ ही तो इस बार चौका दोस्तों नजाकत के साथ हमें देखने को मिला है और उसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा तिरानवे पर दो विकेट के नुकसान पर सोलह ओवर की समाप्ति सोलह ओवर की समाप्ति पर दोस्तों बता दें कि तीन तीस रन चाहिए और किस तरह से दोस्तों मैच को आगे के लिए बढ़ाया जाएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट के सोलह ओवल मची हैं और पिछले ओवर में नौ रन देखने को मिले थे तो दोस्तों कह सकते हैं कि जैक के ऊपर दबाव होगा इस मैच का दोस्तों इस ओवर का पर जैक को हर हाल में दोस्तों यहाँ से चार गिने बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल होंगे क्योंकि रन दे चुके हैं मतलब भरे के मतलब दस रन दे चुके हैं दोस्तों और एक ये ये ओवर दोस्तों कहीं दस बारह बाईस रन का ना हो जाए इसी सर में यहाँ पर मनवाने तैयार है अगली बॉल खेलने के लिए राउंड पर राउंड द विकेट से आए दोस्तों यहाँ पर गेंद को पटका है गेंद गेंद को मारा है दोस्तों मारू मानी है लगवान की तरफ आसानी से एक रन देखने को मिला और इसी एक रन का टीम का स्कोर हो जाएगा यहाँ से चौरानवे पच्चो विकेट के नुकसान पर और देखेंगे कि पंद्रह बॉल में दोस्तों यहाँ से बत्तीस रन की, बत्ती की दरकार है और यहाँ पर स्ट्राइक आ चुके हैं वन का राजपक्षा के पास दोस्तों वन का राजपक्षा भी दोस्तों, दोस्तों हाथ खोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वन का राजपक्षा के पास दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन तरीके से अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर वो काबिलियत है दोस्तों बड़े बड़े शॉट लगाने की और अब तक तीन गेंदों में ग्यारह रन आ चुके हैं तीन गेंदों में ग्यारह रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों चौरानवे पर दो विकेट को तो नुकसान पर और जैक अब जैक की अगर बात करें दोस्तों जैक के पास यहाँ पर तेज गति है और तेज गति का फायदा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस पिच पर यहाँ पर गेंदबाजों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिल रहा है और अगर देखना होगा दोस्तों अधिक समय चकली बॉल है का पटकी हुई गेंद दोस्तों उठा के गेंद को खेला है और आपको बता दें कि बैक गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ मगर फील्डर दोस्तों बीच में रोक लेगा आप दो रन के लिए ऐसा लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पर चौका हुआ है या नहीं वो देखना होगा मगर ऐसा लग रहा है दोस्तों कि यहाँ से दो रन बचा लिए हैं साथ फील्डर ने अपनी यहाँ पर जो कि अपनी बेहतरीन फील्डिंग के चक्कर में मगर देखना होगा कि अंपायर है बाउंड्री चेक करी जा रही है क्या दोस्तों बता रहे कि एक और चौका अगर एक और चौका होता है दोस्तों तो यहाँ पर और दबाव आ जाएगा यहाँ से अगर बुलाई हुई टीम के ऊपर क्योंकि बता रहे कि यहाँ से दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पर क्योंकि बेहतरीन तरीके से करना होगा और इसी के साथ मैं आपको बता दें कि ऐसा देखने से लग रहा है कि जो कि बाउंड्री को छू चुकी है गेंद उसके बाद यहाँ पर जो फील्डर के द्वारा गेंद को रोका गया है बाउंड्री को छू चुकी है गेंद और इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों बता दें हम लोगों को अट्ठानवे पर दो विकेट के नुकसान पर और इसी चौके के साथ दोस्तों अभी तक तो यहाँ से पंद्रह रन दे चुके हैं अगर मैं बात करूं जेक की और बाउंड्री देखेंगे कि 10 बॉलों में 10 बॉलों में 18 रन बनाकर खेल रहे हैं वन का राजपक्ष 14 बॉलों में 28 रन दे चुके हैं अगर वहीं अगर टॉम मारू मामनी मारूमाननी अगर मैं बात करूँ दोस्तों टॉम मारू मारूमानी भी दोस्तों मैच के यहाँ पर जिस तरीके से खेलते हुए ही चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा अट्ठानवे पर दो विकेट के नुकसान पर और हम पर कोशिश यही करेगी कि दोस्तों कि यहाँ से लास्ट के दो गेंदों को बहुत ही अच्छी तरीके से निकालें अगर लास्ट के दो गेंदों को अच्छी तरीके से निकालते हैं तभी दोस्तों मैच बनेगा वरना मैच यहाँ से निकलता हुआ दिखेगा दोस्तों अगर बात करूँ इसी के यहाँ पर अगली बॉल लेकर तैयार हैं और सामना करा जाएगा दोस्तों भानुका राजपक्षा के द्वारा भानुका राजपक्षा ने इस बार दोस्तों हवाई शॉट खेलने की कोशिश करी गई और वल्ले गेंद का कोई भी संपर्क नहीं देखने को मिला और सीख के साथ दोस्तों डॉट गेंद देखने को मिली इसी डॉट के टीम का स्कोर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों सौ अट्ठानवे पर दो विकेट का नुकसान पर जैक यहाँ पर तैयार है दोस्तों जैक बिल्कुल यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों फील्डिंग की सजावट को देखते हुए यहाँ पर कप्तान हैं उनसे बात करते हुए दोस्तों दोनों टीमों के लिए ये मैच यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस हमें पाँचवीं बॉल लेकर तैयार है और पाँचवीं बॉल दोस्तों बता दें कि यहाँ पर गेंदबाज ने गेंद को यहाँ पर करा जरूर गया था मगर भनुका राजपक्षा दोस्तों तैयार नहीं थे इस बॉल के लिए इसलिए यार दोस्तों भनुका राजपक्षा इस गेंद को खेलने से मना कर दिया और आप बता दें डॉट बॉल हमें देखने को मिलेगी और तेरह बॉल में यहाँ से अट्ठाईस रन चाहिए और लास्ट की दोस्तों तेरह गेंद बची है और तेरह गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन बनाए जा सकते हैं ऐसा लग रहा है कि कौन सी टीम जीतेगी मगर जो अर्नब पांडे हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों नए कमेंटर वो तो देखना होगा कि दोस्तों अर्नब पांडे की राय लेनी होगी बहुत ही जरूरी कि देखेंगे कि अर्नब भाई क्या बताते हैं दोस्तों कि तेरह बोलों में क्या अट्ठाईस रन बन पाते हैं या नहीं वो देखना होगा अर्नब पांडे जी क्या आपको लगता है कि तेरह बोलों में क्या अट्ठाईस रन बन पाएंगे या नहीं लगता है बन पाएंगे ये बन बना देंगे इसी समय आखिरी बॉल बनकर अच्छा राउंड द विकेट आसानी से एक रन देखने को मिला और इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा दो ओवर यहाँ से आठ ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो जाएगा निन्यानवे पर दो विकेट के नुकसान पर अब बारह बोलर में दोस्तों यहाँ से जीतने के लिए आप कही बारह बोलर में दोस्तों सत्ताईस रन देखिए कि सत्ताईस रन को किस तरह से करते हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये मुकाबला है दोनों तो टीमों के लिए अगर मैं बात करूँ तो रिक्वायर्ड रन रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो रिक्वायर्ड रन रेट दोस्तों यहाँ से साढ़े तेरह का करिए और करंट रन रेट भी दोस्तों साढ़े का है हम अगर देखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि तो इसके बाद जो ओवर है वो ओवर कौन सा करता है क्योंकि अगला ओवर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात हूँ यहाँ से अगर रब या तो जब डिफेंड करने होते हैं रन तो दसवें ओवर से यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है नौवा ओवर देखेंगे कि नौवें ओवर को कौन सा गेंदबाज करता है इसी में यहाँ पर होके रोके तैयार है और देखना होगा दोस्तों अगली बॉल को किस तरह से करते हैं अगर मैं आपको बता दूँ और इसी समय आया तो आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर डॉकली डॉकली दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं डॉकली की अगर मैं बात करूँ तो डॉकली ने पहले ओवर में दोस्तों यहाँ पर नौ रन दिए थे इसी के में डॉकली राउंड द से तैयार है वहाँ पर लोग टॉस गेंद को करा और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन गेंद इसी एक रन के साथ टीम का तो यहाँ पर सौ रन तो पूरे हो जाएंगे मगर धीरे धीरे दोस्तों दबाव बनेगा यहाँ पर अगर कैप्टाउन के बल्लेबाज़ों के ऊपर और सिक्षन में मालूमानी यहाँ पर सात सत्रह बॉलों में इकतीस रन बनाकर खेल रहे हैं और ग्यारह बॉलों में छब्बीस रन और यहाँ पर जिस तरह से फील्डिंग लगाई गई है दोस्तों तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कि बड़े शॉट खेलने ही होंगे गए और सिक्षण में अगली बॉल लेकर तैयार है मालूमानी दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर गैम्प में खेला है यहाँ पर गेंद जारी है बाउंड्री लाइन की तरफ और आसानी से दो रन हमें देखने को मिलेंगे इसी दो रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों एक सौ दो रन यहाँ पर आसानी से एक रन तो भाग लिया था मगर दो रन यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से भागे गए आखिरी में दोस्तों बता दें कि दूसरी बॉल पर दो रन और बहुत बढ़िया डॉकली दोस्तों अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए डॉकली का अगर मैं बात करूँ तो डॉकली दोस्तों यहाँ पर होकर आस्ट्रेलिया से आते हैं अपने अनुभव का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और लास्ट के दोस्तों बता दें यहाँ पर दो गेंदों में दोस्तों यहाँ पर तीन रन दे चुके हैं और देखेंगे कि किस तरह से मैच को आगे बढ़ाया जाएगा क्या बेहतरीन लजीज दोस्तों बल्ले यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए टॉकली तो की अगर मैं बात करूँ तो ग्यारह बोलो में दोस्तों सौ छब्बीस रन दे चुके हैं अब कैप्टाउन की अगर मैं बात करता हूँ तो कैप्टाउन का दोस्तों स्कोर हो चुका है और सिक्स साथ में देखेंगे यहाँ पर मैच को किस तरह से लिया जाता है इसी इसी दो रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दो रन दो विकेट के नुकसान पर दस बोलों में यहाँ से चौबीस रन की आवश्यकता है और रन में तीसरी बॉल दोस्तों बाइक आते हुए बाइक आसानी से एक रन देखने को मिला और दोस्तों डॉकली ने पटकी हुई गेंद करी थी वन लेकिन का कोई भी संपर्क नहीं देखने को मिला और सिक्स रन में डॉट गेंद देखने को मिली मगर डॉट के चलते दोस्तों मतलब विकेट कीपर की गलती की वजह से ये हमें जो है एक रन आसानी से देखने को मिलेगा इसी एक रन के साथ यहाँ पर एक 103 हो जाएगा और सिक्स रन में आपको बता दें कि चौथी रन पे यहाँ पर दो की दो रन पर स्टम्पिंग चेक करी जाएगी स्टम्पिंग चेक करी जाएगी दोस्तों डॉकली गेंद ने यहाँ पर फ्लैट गेंद करा था ललचाया गया था दोस्तों बनकर को दो मगर भनुका राजपक्षा ने दोस्तों बड़ा शॉट करने की के कोशिश और आपको बता दें कि यहाँ से ऐसा लग रहा है कि भनुका राजपक्षा को ऐसा लग रहा है उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर विकेट हो जाएगा ऐसा लग रहा है दोस्तों विकेट होगा क्योंकि हम बता दें कि स्टंपिंग ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़ा हवाई शॉट लगाने तो की कोशिश करी गई थी मगर बल्ले बल्लेगे इनका सही तरीके से संपर्क नहीं देखने को मिला और आखिरकार जो विकेट है वो देखने को मिलेगा और इसी के साथ में अगर बात करता हूँ राजपक्षा और आपको बता रहे दोस्तों दोस्तों कि वहां पर डॉपलिन फ्लाइट करी थी दें का इस्तेमाल तो करा गया था मगर आपको बता दें कि वन का राजपक्षा पर पीछे नहीं पहुंच पा रहे और जिसके कारण वन का राजपक्षा दोस्तों विकेट आता हुआ वन का राजपक्षा का बहुत बड़ा विकेट आता हुआ और इसी क्षण में चौदह बोलो में चौदह बोलो में दोस्तों बीस रन बना के वन का राजपक्षा जाएंगे अपनी टीम को मजदार में छोड़ते हुए तेईस यहाँ पर आठ बोलो में तेईस रन की दरकार है और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी यहाँ पर गेंदबाजी करिए डॉकली ने और चार बोलो में दोस्तों चार रन दिए हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए देखिए और एक साल में दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर बता दूँ दोस्तों एक सौ तो तीन गेंदों में तीन विकेट हो चुके हैं और यहाँ पर अब तक दोस्तों उन्नीस जो कि अपना नौवा ओवर फेंक रहे हैं दोस्तों अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी करी है और डोकली ने कहा अगर मैं बात करता हूँ तो डोकली ने वहाँ से चार रन दिए हैं आठ बोलों में दोस्तों सौ तेईस रन की दरकार है और डोकली यहाँ पर कोशिश यही होगी कि लास्ट के दो गेंदों को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से निकाला जा रहा है कलीम जन्नत यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं और देखेंगे कि कलीम जन्नत किस तरह से बल्लेबाजी को अंजाम करेंगे ऐसी क्षण में करेंगे जो कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कलीम जन्नत की तो कलीम जन्नत यहाँ पर जो कि रन तो काफ़ी दिए हैं और देखेंगे कि यार रन बना पाएंगे कलीम जन्नत डॉक् तैयार है अगली बॉल लाने के लिए कलीम जन्नत के लिए और कलीम जन्नत दोस्तों यहाँ पर स्कोर लेकर जो फील्डिंग है उसको देखते हुए क्योंकि स्कोर ले का जो उधर का यहाँ पर जो कि लेग साइड का जो ग्राउंड है थोड़ा सा छोटा है और सिक्स सह ने बता दें कि यहाँ पर बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पर ओवर करके जा रहे हैं यहाँ पर डोगली डोगली ने अभी तक तो चार रन दिए हैं और यहाँ पर जो अभी शेष जो गेंदें बची हैं और देखेंगे कि पाँचवीं बॉल को किस तरह से करते हैं पाँचवीं बॉल लेकर तैयार है विकेट से दोस्तों सामना करा जाएगा कलीम जन्नत के द्वारा और कलेष जनाथ एक सौ तीन रन दे चुका है इसी साल में यहाँ पर अगली बॉल लेकर तैयार है और आसानी से दोस्तों बता दें कि आसानी से एक रन और देखने को मिलेगा और इसी एक रन के चलने टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से एक चार रन तीन विकेट के नुकसान पर डॉकली डॉकली दोस्तों बता दें कि यहाँ पर डॉकली ने सात बोलों में दोस्तों यहाँ पास जो कि सात बोलों में आप जीतने के लिए यहाँ पर कैप्टान्स की टीम को दोस्तों बयालीस रन चाहिए और डॉकली ने दोस्तों यहाँ पर जो कि पाँच बोलों में पाँच रन दिए हैं और लास्ट की एक गेंद बची है लास्ट की एक गेंद बची है डॉकली क्या दोस्तों बड़ा शॉट यहाँ पर मरवा देंगे या फिर आखिरी बॉल पर दोस्तों डॉट के साथ करेंगे इसी में मारुमानी के पर पर बड़ा शॉट की दरकार जरूर है और इसी के साथ करीब विकेट लेने की चाहमा है और दोस्तों गेंद को उठा के खेला है लौगोन की तरफ और लौगोन का खिलाड़ी दोस्तों तीस यार्ड में रहेगा और इसी के साथ में दोस्तों गेंद गई छक्के के लिए और ये बहुत लंबा छक्का देखने को मिला है मारूमानी के वाले से और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर यहाँ पर कैप्टानस की जीत और हार के बीच में दोस्तों खड़े हैं यहाँ पर मारूमानी और बीस बॉलों में दोस्तों यहाँ पर उनतालीस रन की आवश्यकता है और डौकली ने यहाँ पर रोके वहां पर बेहतरीन ओवर जा रहा था उसके बाद दोस्तों ग्यारह रन दिया आखिरी बॉल पर छक्का खाकर मगर यहाँ पर तारीफ करने होगी डॉकली की यहाँ पर बेहतरीन तरीके से अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अब छः बॉलों में दोस्तों सोलह रन चाहिए अब देखिए कि आखिरी ओवर करता कौन है दोस्तों आखिरी ओवर और दोस्तों यहाँ पर आखिरी ओवर की अगर मैं बात करता हूँ तो दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर छह गेंदे हैं और गेंदों में सोलह रन बनाने हैं और आपको बता दें दोस्तों कि जो स्ट्राइक है तो स्ट्राइक यहाँ से रहेगी दोस्तों वो कलीम जन्नत के पास रहेगी अगर कलीम जन्नत दोस्तों बड़ा शॉट लगाते हैं तभी तो दोस्तों मैच में बनाया जाएगा और आपको बता दें दोस्तों कि अगली बॉल लेकर कौन से गेंदबाज अगर आते हैं और इसी साल में अगर स्कोर हो चुका है दोस्तों एक रन तीन विकेट के नुकसान पर और आपको बता दें दोस्तों आप साँ से थम चुकी हैं दोस्तों कैप्टाउन की टीम की दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि मरुमानी दोस्तों एक ऐसे बल्लेबाज थे जो यहाँ पर रन बना सकते थे मगर आपको बता दें दोस्तों आप जो कि आ चुके हैं बल्लेबाज दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो आ चुके हैं दोस्तों सेम विलियंस अब सेम विलियंस दो सौ तीन बॉों में दोस्तों यहाँ से तो तो रन, रन की चौदह रन और देखेंगे कि लास्ट के तीन बॉलों में दोस्तों कितने रन बनाए जा सकते हैं और यहाँ पर सेम विलियंस एक सौ बारह पर टीम का स्कोर पहुंच चुका है और तीन गेनों में चौदह रन की आवश्यकता है और कलीम चंदन किस तरह से अपनी अगली बॉल को खेलते हैं कलीम चंदन दो सौ दो बॉलों में यहाँ पर तीन बो सौ लास्ट में पूछी हैं यहाँ पर कलीम चंदन के पास दोस्तों वो मौका है क्या यहाँ पर तीन गेनों में दो सौ चौदह रन बना सकते हैं क्या या नहीं वो देखना होगा और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर दोस्तों इसी में यहाँ पर सैम विलियंस दोस्तों तैयार है अगली बॉल खेलने के लिए और यहाँ पर सैम बिलियक्स में दोस्तों माफ़ी चाहूंगा कलीम चंदन के पास स्ट्राइक है कलीम चंदन ने यहाँ पर गेंद को खेला है दोस्तों एक्स्ट्रा कवर की दिशा में आसानी से दोस्तों एक रन एक रन तो आसानी से ले लिया गया है दूसरा रन भी दोस्तों पूरा कर लेंगे और आपको दोस्तों डायरेक्ट हिट तो लगी है मगर ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जन्नत तो आसानी से पहुंच चुके हैं और आपको बता दें दोस्तों, बारा दो गेंदों में दो गेंदों में दोस्तों बारह रन की आवश्यकता है और देखेंगे कि दोस्तों किस तरह से इस मैच को बनाया जाता है इसी साल में यहाँ पर अगली बॉल लेकर तैयार है कलीम जन्नत के पास दोस्तों कलीम जन्नत ने गेंद को उठा के खेला है लॉगोन की तरफ और आसानी से दोस्तों चौका देखने को मिला है और आपको बता दें ये मैच अगर छक्का भी पड़ जाता है दोस्तों बेबिस्टर भी दोस्तों छक्का अगर खा लेते हैं तो दोस्तों ये मैच जीतेगी यहाँ पर भी हम देखो बायोग अगर मैं बात करूँ दोस्तों बलायो की टीम और यहाँ पर क्या बेहतरीन दोस्तों मैच हमें देखने को मिला है आखिरी गेंद तक मैच गया दोस्तों और इस में यहाँ पर आखिरी बॉल पर दोस्तों चार यहाँ पर देखेंगे कि छक्का मारते हैं चौका मारते हैं वो देखना होगा और दोस्तों बता दें कि बहुत इम्पोर्ट बहुत अच्छा दोस्तों मैच देखने को मिला है इसी धर्म में आखिरी बॉल पर दोस्तों तैयार है बैवस्टर तैयार है राउंड द विकेट से आखिरी बॉल पर एक और चौका और उसी के साथ दोस्तों बता दें कि बेलाईओ विंग्स की टीम ने ये मुकाबला दोस्तों जीत लिया है तीन रन से और यह क्या बेहतरीन दोस्तों मैच हमें देखने को मिला है और यहाँ पर कैप्टान्स की टीम ने दोस्तों आखिरी आखिरी गेंद पर दोस्तों जाकर यहाँ पर इस मैच को हारा है और बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों कैप्टन की टीम ने इस मैच में लड़ी है और ऐसा लग रहा था दोस्तों कैप्टन की टीम इस मैच को यहाँ पर आसानी से हार जाएगी मगर मैं आपको बता दूँ कि क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों इस मैच को यहाँ पर जीता है और इसी के साथ आपको बता दें कि बलायु बिंग यहाँ पर बैरस की यहाँ पर टीम ने बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पर खेला है और सिकंदर रजा की यहाँ पर कप्तानी में दोस्तों एक और जीत यहाँ पर दर्ज करती हुई बलायु की टीम इसी के साथ दोस्तों बता दें कि पॉइंट टेबल की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो पॉइंस टेबल की टीम में दोस्तों यहाँ से क्योंकि तो बलायु की यहाँ पर टीम है वो टॉप ऑन टेबल है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों एक बार फिर से हमारे साथ लाइव आने के लिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मैच में साढ़े आठ के बाद दोस्तों जो मैच शुरू होने वाला है उसमें भी दोस्तों आप हमारे साथ लाइव आइएगा और आपको साथ दोस्तों हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और इसी के साथ दोस्तों बताते कि मैच मैच और मैं राज आपसे दोस्तों इस मैच में विदा लेता हूँ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मैच में एक बार फिर से दोस्तों जिम्बाब्वे प्रीमियर लीग का अगला मुकाबला लेकर धन्यवाद दोस्तों